चलो वेलकम टू दिस इंटरेक्टिव सेशन एवरीवन। जैसे आप सबके अभी जेई मेन सेशन वन सेशन टू खत्म हो चुके हैं, आप जेई एडवांस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमने सोचा एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए जहां पे हमारे प्रीवियस जेई एडवांस टॉपर्स से आप सारे गाइडेंस ले सको, वन बाई वन आप आपके क्वेश्चन पूछ सको। तो तमोजित और हर्षा हमारे साथ हैं, उनका पहले टाइम हमें एडजस्ट करना पड़ा, फाइनली उन्होंने अपना टाइम निकाल के आपको टाइम दिया है, दैट इज वेरी फाइन। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज में और वहाँ पे वो लोग इन्वॉल्व हैं, जो सारे अलग अलग पीजीज और सेमिनार्स उनके चल रहे हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपका भी वो फेज आएगा एंड उसमें से हम आपका टाइम भी चुराएंगे आपके जूनियर्स को गाइड करने के लिए। तो अभी के लिए ये वाला सेशन शुरू करते हैं। दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले डायरेक्ट तमोजित एंड श्रीहर्ष आपको कुछ बताएं, ऐसा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आंसर पे जा सकते हैं। आप एक एक करके क्वेश्चन पूछते रहो, मैं वन नोट में क्वेश्चन लिखते जाता हूँ, फिर तमोजित एंड हर्षा एक एक करके आंसर करेंगे। बोलो कैसे करना है कि पहले तमोजित एंड हर्षा, ठीक है? तो पहले तमोजित एंड हर्षा अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको कुछ बताएंगे एंड देन वी विल गो फॉर योर क्वेश्चन आंसर, करेक्ट? तो तमोजित आपसे स्टार्ट करें। ओके तमोजित, तो बेसिकली मैंने अवंती ज्वाइन किया था इन क्लास 9, और फिर 9 to 12 आई वॉज इन अवंती ओनली। एंड यहाँ पे लाइक सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि क्योंकि बैच साइजेस कम था हमारे स्कूल में, तो टीचर्स सबको इंडिविजुअल अटेंशन दे पाते थे, जो बड़े कोचिंग में होना काफ़ी मुश्किल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो पहले 9th 10th में लाइक वी ओनली मतलब सिर्फ बोर्ड्स का करवाया, एंड उसके अपार्ट आई मीन मेनली बोर्ड्स पे फोकस था, उसके अपार्ट देर वॉज ऑल्सो फाउंडेशन कोर्सेज, जो लाइक फाउंडेशन कोर्सेज में वी यूज टू डू लाइक कुछ बेसिक चीजें जो 11th 12th में काम आएंगी, जैसे वेक्टर आई मीन वेक्टर अलजेब्रा कैलकुलस एंड वो सब। सो मैथ्स मैन फिजिक्स में भी लाइक बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स जो 11th 12th में बेसिकली जो जेई में बाद में आता है, सो वो सब हमने फाउंडेशन में करवा दिया था। सो उसमें उससे काफ़ी एडवांटेज आई मीन थोड़ा हेल्प हुआ, क्योंकि एक तो 11th 12th में काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट एक साथ आ जाते हैं, एंड 9th 10th और 9th 10th में जैसी पढ़ाई होती है 11th में पूरी अलग हो जाती है। सो थोड़ा बेस पहले से अगर रहे तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो उसके बाद 11th 12th में हाँ, एंड अदर देन दैट क्योंकि बैच साइज छोटा था, सो लाइक हमारे जो वहाँ टीचर थे विष्णु सर, उन्होंने बोला कि 10th में अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाता है तो तुम 11th का स्टार्ट कर सकते हो। आई मीन क्योंकि 10th में लाइक पाँचों सब्जेक्ट होता है, सो साइंस और मैथ्स तो मतलब काफ़ी बेसिक लेवल का होता है, 11th 12th में जो सिलेबस होता है उसके कंपेयर में तो 10th का कुछ भी नहीं होता। सो वो मेरा जल्दी हो गया था, उसके बाद मैंने 11th में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री करना स्टार्ट कर दिया था 10th में ही, एंड वहाँ पे टीचर्स ने अलग से क्लासेस दी थी, हर्षा भी था उसमें आई मीन मेरे साथ, सो उसमें सर ने अलग से क्लासेस ली थी हमारी, एंड उससे मतलब अपार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन वंस बाकी जो दूसरे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो भी 11th के मैंने कवर कर लिए थे बाय द एंड ऑफ 10th। और उसके बाद 11th में जब आया तो उस टाइम पे पहले तो लाइक पहले हाँ पहले आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन KVPY, सो KVPY क्लियर करने के लिए 11th में ही वो 12th का पोर्शन भी पूछते हैं, सो उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए 12th का भी आना चाहिए। तो इसलिए 11th में फिर 11th का जो बचा हुआ पोर्शन था मैंने वो लाइक अप्रैल मई में ख़त्म कर लिया था, मतलब उस सेशन के, एंड उसके बाद 12th का स्टार्ट कर दिया था। एंड 12th में लाइक KVPY आने तक जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे 12th के सिलेबस में वो मेरे हो गए थे, एंड सो उससे मुझे काफ़ी एडवांटेज मिला KVPY में। आई मीन क्योंकि सब जगह वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मतलब हर जगह तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे KVPY करना है, तो आप अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल 11th के क्लासेस आप मुझे 12th का पढ़ा दो, तो दैट अगर मैं कोई बड़ी कोचिंग में होता जहाँ 50-100 की बैच स्ट्रेंथ होती वो मैं वहाँ नहीं कर पाता, एंड क्योंकि वहाँ टीचर्स भी ज़्यादा आई मीन टीचर्स एक क्लास के लिए 100 लोगों की क्लास के लिए एक टीचर होता है, तो वहाँ टीचर्स सबको उतना टाइम भी नहीं दे पाते एंड उतना लाइक जानते भी नहीं है सबको। सो यहाँ पे क्योंकि बैच साइज छोटा था, लाइक हमारे 11th में जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स थे अराउंड 20 थे एंड मेडिकल के लिए 15 थे, तो वहाँ पे सब टीचर्स अच्छे से सबको जानते थे, तो ये 12th का पोर्शन मैंने और हर्षा ने अलग से शुरू कर दिया था एंड KVPY तक, इसलिए मुझे काफ़ी एडवांटेज मिल गया वहाँ पे। और उसके बाद 11th में मैंने ओलम्पियाज भी दिए, फिर जो इंटरनेशनल ओलम्पियाज होते हैं उनका स्टार्ट हुआ, लाइक पहले पहला जो स्टेज होता है पहले स्टेट लेवल पे, पहले सॉरी स्कूल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, फिर नेशनल वाला, तो उसमें मैं फिजिक्स में नेशनल लेवल तक गया था एंड एस्ट्रोनॉमी में पूरा फाइनल आई मीन इंटरनेशनल वाले में भी गया था। सो फिर उसमें भी मुझे एडवांटेज मिला क्योंकि जो ओलम्पियाज होते हैं वो पेपर जो होते हैं ओलम्पियाज के क्वेश्चन पेपर
उसमें वो कॉमन क्वेश्चन पेपर होता है फॉर ऑल क्लासेस, तो ऐसा नहीं कि 11th के लिए अलग बनाएंगे 12th के लिए अलग बनाएंगे, सेम क्वेश्चन पेपर होता है, तो नेचुरली उसमें 12th का पोर्शन भी होता है, तो वहाँ पे भी 12th का पोर्शन पहले से करके मुझे थोड़ा एडवांटेज मिला था, थोड़ा नहीं आई मीन काफी एडवांटेज मिला था 12th का पोर्शन करके। सो उसके बाद हाँ, तो बेसिकली 11th में तो ओलम्पियाड, आई मीन 11th में सिलेक्शन हुआ एक्चुअल ओलम्पियाड, फिर एस्ट्रोनॉमी का 12th में हुआ था, एंड फिर 12th में तो फिर लॉकडाउन हो गया। उसके बाद आई मीन 12th तक का ऑलमोस्ट मेरा जो सिलेबस था जो लॉकडाउन में लगा था मार्च में, उसके बाद मई तक मेरा ऑलमोस्ट जो बेसिक सिलेबस था वो सब मेरा कवर हो गया था ऑलरेडी। तो उसके बाद से बेसिकली फिर लाइक विष्णु सर और बाकी सब टीचर्स ने, बाकी जो मेरे टीचर्स थे आशीष सर, आई मीन अश्विन सर, अंजना मैम, उन सब ने रिकमेंड किया दूसरे बुक्स करने के लिए, जिससे ताकि मेरा एडवांस के लिए जो प्रैक्टिस हो वो और बेटर हो जाए। तो वहां से फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर प्रीवियस ईयर जो थे जेई एडवांस के वो उसमें आई थिंक 19 एक बुक है वो दिशा की, उसमें 1990s या समथिंग से सारे पेपर्स है एडवांस के, और उसमें पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे वो भी, अभी तो सब्जेक्टिव नहीं है एडवांस में, बट स्टिल मैंने सब्जेक्टिव ही प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि उससे फिर आई मीन सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से ज्यादा आइडिया लग जाता है कॉन्सेप्ट का बेटर। और उसके बाद फिर ये सब आई मीन फिर प्रीवियस ईयर कर लिया, एंड और बाकी जो बुक्स थे वो भी हो गए, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट आई थिंक 12th में एज सच मैंने कोई दूसरा एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि बिकॉज लाइक हमारे जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ किसी एग्जाम का सेंटर बहुत रेयरली होता था, तो या तो हुबली या फिर बैंगलोर, तो 12th वाला जो ईयर था 2020 उसमें मैंने अलग से एग्जाम नहीं दिया। एक बस वो जो एस्ट्रो ओलम्पियाड में जो सिलेक्शन हुआ था मेरा 11th में, उसका जो फाइनल इंटरनेशनल वाला था वो 12th में हुआ था, आई मीन वो पीछे होते होते वो 12th का सेशन मेरा तब स्टार्ट हो गया था, तो वो हुआ था बस 2020 में, एंड उसमें लाइक वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, लाइक क्योंकि ऑनलाइन था वो ओलम्पियाड, तो इसलिए वो उसका आई मीन पूरा फॉर्मेट उन्होंने बदल दिया था, इंडिविजुअल की जगह उन्होंने ग्रुप कर दिया था, एंड ग्रुप वॉज लाइक वो इंटरनेशनल ग्रुप था, मेरे साथ इंडियंस कोई नहीं थे उस ग्रुप में, सारे दूसरे कंट्रीज के और 5 स्टूडेंट्स थे, तो उनके साथ इंटरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, फिर जो टास्क दिया था वो ग्रुप टास्क था, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता वो टास्क की तो ग्रुप में कोई एक बंदा कर रहा है बाकी सब लाइक मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो भी नहीं हो सकते थे, तो ग्रुप में सबको एक साथ वो पार्टिसिपेट करना था उसमें, एंड वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड फिर ओलम्पियाड हुआ 2020 में, फिर 2021 में लाइक ये बोर्ड जेई सब स्टार्ट हो गया, वो तो 12th एंड में जो होता है बेसिकली, तो बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो गया तो उसका नहीं बोलूंगा, बट हाँ अवंती में बोर्ड्स का भी काफी अच्छा प्रिपरेशन किया था, एंड मीनवाइल हाँ जो मैं एक्स्ट्रा बुक्स जो भी कर रहा था, क्योंकि बाकी सबका आई मीन मोस्ट ऑफ द अदर्स उनका सिलेबस तो इतनी जल्दी कंप्लीट हुआ नहीं था, मतलब मैंने तो काफी पहले ही कर लिया था EKVPI और इन सबको करना था, इसलिए तो बाकी सबका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो जो बुक्स वगैरह मैं कर रहा था पहले सिलेबस खत्म करके वो मेरे क्लास में मोस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स वो नहीं कर रहे थे, हर्षा भी कर रहा था मेरे साथ, बट स्टिल वो भी मतलब अलग अलग कर रहे थे हम लोग, सेम बुक्स या सेम टाइम पे नहीं होते थे हमारे, तो फिर टीचर्स क्योंकि वापस यहाँ पर्सनलाइज अटेंशन का ये आ जाता है, तो टीचर्स ने लाइक क्योंकि उस बुक में ऑब्वियसली मुझे सारे क्वेश्चन आते नहीं थे, डाउट्स होते थे बहुत सारे, एंड वो पूरे टाइम टीचर्स ने मेरे अलग से क्लासेस रखी है मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री सब में, एंड उससे भी काफी फायदा हुआ, क्योंकि नेचुरली अगर डाउट्स बचे रहेंगे तो प्रिपरेशन होगी नहीं, अगर डाउट्स हैं ही तो इसलिए वो सारे जो है वो इंडिविजुअल रखे थे मेरे लिए, एंड वो उससे मुझे काफी हेल्प मिला, एंड फिर ऑब्वियसली बाकी क्लास के लिए तो सब रखते ही थे, मतलब पूरे क्लास के लिए अलग से मेन जो डाउट सॉल्विंग सेशन वो तो होता ही था, एंड उसमें भी काफी टाइम मिलता था हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि बस 15-20 लोग ही होते थे पूरे क्लास में, तो उसमें भी सारे स्टूडेंट्स के डाउट आंसर क्लियर हो जाते थे, जो मतलब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बट आई डोंट थिंक कि बड़े कोचिंग में उतना हो पाता होगा, क्योंकि 100 लोगों के क्लास में कितना ही टाइम दे पाएंगे आप हर एक स्टूडेंट को, तो वो एक अच्छी बात थी। एंड फिर 2021 में फिर मेंस हुआ, मेंस तो टाइम से हो गया था फरवरी में, पहले दो फरवरी मार्च वाले, फिर वापस फिर बंद हो गया, अप्रैल वाला नहीं हुआ, जून जुलाई में पोस्टपोन हो गया, एंड बोर्ड भी कैंसिल हो गया, तो मेंस के पहले दो हो आई मीन मेंस का पहला वाला जब मेरा आ गया अच्छे से, तो उसके बाद टीचर्स ने एडवाइस किया कि अभी मेंस एक तो अच्छा हो गया है तो अभी एडवांस पे फोकस कर सकते हैं, सो उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट मैंने मेंस का अलग से पढ़ा नहीं, सो फिर फोर्थ एंड फोर्थ अटेम्प्ट आई थिंक वो और एक एग्जाम के साथ मेरा थोड़ा क्लैश कर रहा था, मतलब सेम एक आगे पीछे दिन पे था, तो
मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया. सो बेसिकली मैं फर्स्ट वाला अच्छा हो गया था, तो मैंने मेंस पे बाद फिर फोकस नहीं किया बाद में. एंड फिर उसके बाद तो एडवांस और पोस्टपोन हो गया अक्टूबर तक. तो तब तक लाइक मैं कंटिन्यूअस टेस्ट देते रहा था. एंड हाँ, वो तो टेस्ट तो पूरे टाइम ही देना था, लाइक बिना टेस्ट के कोई एवेल्युएशन नहीं होता कि कितना आप प्रिपेयर हो. तो टेस्ट तो पूरे टाइम देना ही है. एंड उसके साथ टेस्ट का जो मतलब इवेल्युएशन है कि कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, कौन से टॉपिक्स में वीक हैं, वो सब देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड उसके लिए अलग से प्रैक्टिस, जैसे केमिस्ट्री में काफ़ी टेस्ट में लाइक टेस्ट कोचिंग के होते थे, तो काफ़ी टेस्ट में कुछ अवंती के टेस्ट हैं, कुछ लाइक हमारे टीचर्स दूसरे कोचिंग के टेस्ट भी हमें प्रोवाइड करते थे. तो केमिस्ट्री में काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि कोई रिएक्शन देखा नहीं है या इनऑर्गेनिक में वो पता ही नहीं है. सो उन सब में वो मतलब उनसे मैं सीख लेता था, मतलब कुछ नया मिल गया तो वो मैं अलग से नोट डाउन कर लेता था. तीनों सब्जेक्ट्स में कोई नया मेथड मिल गया या कोई नया कॉन्सेप्ट मिल गया या कोई क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था कुछ, तो जो भी नया होता था सब में मैं नोट कर लेता था अलग से. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट देने के बाद कहाँ कहाँ गलत हो रहा है वो सब नोट करना. और जो आशीष ने आपको बताया होगा एग्जाम करेक्शन बुक, सो वो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेस्ट से गलती से सीख नहीं रहे हैं तो फिर टेस्ट देने का मतलब नहीं है कुछ. तो वो बुक अच्छे से बनाना जरूरी है. एंड एग्जाम से पहले लाइक एक तो थियोरी वाली जो है वो थियोरी का पूरा बुक देखने का टाइम नहीं मिलेगा. एंड तब तक आप इतने टेस्ट दे चुके होंगे कि वो थियोरी वापस वापस बार बार देखने की जरूरत भी नहीं होगी. तो तब जो बुक से सॉल्व करते टाइम जो अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, एंड जो एग्जाम देते टाइम अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, वो अच्छे क्वेश्चन देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे जो आपको एग्जाम में आने चाहिए, क्योंकि आपने वो एक बार कर लिया है. तो ये सब मैंने किया था, ये एग्जाम करेक्शन बुक और जो मेन टेक्स्ट बुक वाले अच्छे क्वेश्चन का बुक है, तो ये सब रिवाइज कर लिया. ये फाइनल डेज में यही रिवाइज किया था. एंड फिर तो एग्जाम हो गया. तो एंड अवंती ऑफ कोर्स लाइक ये सब अपार्ट फ्रॉम ये एकेडमिक्स मतलब डाउट सॉल्विंग सेशन और मेन जो ये सब पढ़ाई रिलेटेड, उसके अलावा कैसे पढ़ना है वो भी बताया उन्होंने. तो ये जो मेथड्स है, एग्जाम करेक्शन बुक अलग बनाओ, फिर आई थिंक फेयर बुक था ना आपने बोला था, तो हाँ वो फेयर बुक अलग बनाओ, तो वो सब काफी हेल्पफुल था. क्योंकि अगर मतलब आप स्ट्रेस नहीं करते इस बात को, तो मे बी मैं इतने अच्छे से नहीं बनाता जितना मैंने बनाया. आई थिंक मे बी कहीं क्वेश्चन नंबर नोट करके या कोई एक दो पॉइंट नोट करके मैं छोड़ देता, बट क्योंकि आपने अच्छे से बोला था तो फॉर्मूला बुक और वो सब. हाँ फॉर्मूला बुक राइट राइट. हाँ तो फॉर्मूला बुक भी इंपॉर्टेंट है स्पेशली मैथ्स के लिए. तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाए, क्योंकि बाद में काफी जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे बहुत सारे फॉर्मूला हो जाएंगे, तो वो सब याद रहना जरूरी है बहुत, क्योंकि एग्जाम में डिराइव करने का टाइम नहीं होता. काफी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं बेसिक एक या दो बेसिक इससे, बट एग्जाम में उसका टाइम नहीं मिलता. सो याद रहना जरूरी है वो सारे, और याद अलग से करना नहीं पड़ता लाइक, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतने टेस्ट देने के बाद वो अपने आप ही वो फॉर्मूला याद हो जाता है. बट ये याद रहना चाहिए कि कहाँ कौन सा यूज करना है वो पता होना जरूरी है. तो ये सब भी बताया टीचर्स ने, तो इसलिए फिर फाइनली एग्जाम भी अच्छा हुआ. तो हाँ यही मेरा तो उतना ही था. थैंक यू तमोजित. तो ये पूरा तमोजित का एक्सपीरियंस था. फिर हर्षा के ऊपर आते हैं. हर्षा हाँ अभी आवाज आ रही है. सर मैं क्या ही बोलूँ, सब उसने बोल ही दिया. पूरा कवर हो ही चुका है. सेम, मैंने भले विष्णु सर ने मुझे 9th 10th में एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ाए, लेकिन मैं तब पढ़ा नहीं बेसिकली, जो भी किया 11th 12th में किया है. तो क्योंकि तब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता था, तो 11th में मैंने 11th का किया, 12th में 12th का किया. बस 11th में इनिशियली मैथ्स जैसे राकेश सर पढ़ा रहे थे हमने, तो तब सर सिंगल से क्वेश्चन करा रहे थे, तो तब सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड था, ना फॉर्मूला बुक बनाता था ना रेगुलर बुक था, रैंडम ऐसे ही सॉल्व हो जाता था. जब आशीष सर आए तब से फॉर्मूला बुक बनाना स्टार्ट किया है, और अच्छा लग रहा है कि उसी के बाद से मैथ्स कंप्लीट चेंज हो गया, क्योंकि मैथ्स में इतने सारे फॉर्मूलास आ गए, मेथड्स आ गए क्वेश्चन सॉल्व करने के, कि वो सब बिना फॉर्मूला बुक बनाए नहीं बनता. तो कुछ भी हो रहा है मैथ्स में, फॉर्मूला बुक एंड ईसी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये जो भी नए क्वेश्चन आएंगे सब लिखता जाऊंगा मैं ईसीबी में, मेथड लिखता जाऊंगा मैं. और मैं क्या करता था, फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला के साथ साथ कोई अच्छा क्वेश्चन मिल गया उसका मेथड भी लिख लेता था, ताकि वो क्वेश्चन बाद में जब रिपीट होगा तो मैं उस मेथड को याद रख के जाऊंगा. तो फॉर्मूला और मेथड ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो सब फॉर्मूला बुक में लिख देता. और जैसे सर ने बोला था कि एक दो पेज छोड़ दो हर एक चैप्टर के बाद, ताकि जो भी नया फॉर्मूला दिखता जाए वो सब फॉर्मूला बुक में लिखते जाओ. सो टेस्ट से मिल जाता है कभी नया क्वेश्चन, या तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हुए नया क्वेश्चन मिल जाता, सब फॉर्मूला बुक में लिखते जाओ.
ये नहीं सिर्फ फॉर्मुला बुक सिर्फ मैथ्स में नहीं हर सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है. लाइक फिजिक्स में तो नोट्स जो भी टीचर देंगे वो काफी इम्पोर्टेंट होता है कि फिजिक्स थ्योरी से बनता है. फिजिक्स में क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है और जो थ्योरी देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो मतलब क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला से नहीं बनते, कभी कभी क्वेश्चन डेरिवेशन से भी बन जाते हैं. मतलब जिस तरीके से हम डिराइव करते हैं तो जो डेरिवेशन का जो मेथड होता है वो अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में वो भी बन जाता है. तो फिजिक्स में भी नोट्स इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला एंड लाइक प्रीवियस ईयर तो हर जगह इम्पोर्टेंट है. तो प्रीवियस ईयर को लाइक हर एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखते हैं प्रीवियस ईयर के उनको याद कर लो, इनका मेथड को याद कर लो. और केमिस्ट्री में क्लियर है एनसीईआरटी. अब एडवांस का हो या मेंस का हो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो लाइक एडवांस के लिए भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था. लाइक ऑर्गेनिक के लिए तो जो अंजना मैम ने नोट्स दिए थे वो पढ़े थे. और इनऑर्गेनिक के लिए तो कम्प्लीट एनसीईआरटी बस. और ये है कि एडवांस खाली इतना फोमा बना रखा है कि इतना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे को देने के बाद पता चला कि एडवांस मुश्किल नहीं होता. बस खाली उस समय जो हमारा मेंटालिटी होता है, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पर डिपेंड करता है. मैं और स्कोर कर सकता था लेकिन थक गया. मैं 6 घंटे एग्जाम देके थक गया था और फिर करने का मूड भी नहीं बनता उस समय. तो लाइक जितना बनेगा सब बनाते जाओ. लाइक एडवांस उतना मुश्किल नहीं होता है, जो किया होगा पूरा 2 साल उसी से निकल जाएगा एडवांस. कोई स्पेशल नहीं है उसमें. लाइक इट्स लाइक कलेक्टिव एफर्ट जो 2 साल में कर रहे हैं, जो याद रख रहे हैं, वही एग्जाम के टाइम में काम आएगा. हम अवंती के टेस्ट देते हैं उसमें जितना डिफिकल्टी लेवल होता है मैं उससे कम ही उससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था एडवांस में, लेकिन आया तो उससे उसके लेवल का ही. लाइक क्वेश्चंस काफी आसान थे, बन जाते. लेकिन ये है कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने अपने स्पीड से करते हैं, आराम से करते हैं कि ठीक है ये नहीं बनना कल कर लूंगा परसों कर लूंगा. लेकिन उसमें एग्जाम में क्या होता है कि करते ही रहना होगा ना. ये क्वेश्चन नहीं बना तो उसको छोड़ो आगे बढ़ो. तो कभी एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, अभी नहीं बनता तो हम छोड़ने का मन नहीं करता है. तो बस यही है कि हम आधा करके छोड़ रहे हैं, वो इफेक्ट कर जाता है. अगर मैं वो पूरा कर लेता तो मेरे मार्क्स बढ़ जाते, मेरा रैंक बढ़ जाता. सो इट्स लाइक क्या बोल सकते हैं, डरना नहीं है एडवांस का. बस एक एग्जाम है, उसको एंजॉय करना है बस. कि आगे लाइफ में चांस नहीं मिलेगा लिखने का. दैट्स इट सर. हां नहीं परफेक्ट है सर. तो हर्षद अमोजित बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने. यहाँ पे हमारे पास दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं आपके जूनियर्स में, जो कुछ स्टूडेंट्स तमोजित की बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे और जो कुछ स्टूडेंट्स हर्षा की बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे. जैसे तमोजित ने बताया कि 9th-10th में कैसे पहले 11th की प्रिपरेशन 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे सुमेध है, कीर्तन है, ये सब लोग तमोजित को रिलेट कर पा रहे होंगे. जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो मतलब हुबली में ज्यादा लोगों को मैं नहीं जानता, बाकी के स्टूडेंट्स हमारे तोरना के सारे वो हर्षा की बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे. हर्षा के लिए एक बात बताऊं तो हर्षा के लिए मेन एडवांटेज उसका ये हुआ 11th 12th में लॉकडाउन, जो 12th वाला लॉकडाउन पीरियड था इनका एडवांस लेट हो गया, तो वो पूरा पीरियड का हर्षा ने बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया और एंड में फॉर्मूला बुक से ज्यादा एरर करेक्शन बुक बनाई. आप मानोगे नहीं, अभी जस्ट मेरा तोरनागलू से गुजरात पार्सल आया 2 दिन पहले, सारे बुक्स एंड सारी चीजें मैं यहाँ पे अरेंज कर रहा था. मेरी सिस्टर पूछ रही थी ये छोटी छोटी बुक्स ये सब किस क्या है, मैंने बोला ये हर्षा की एरर करेक्शन बुक है, ये हर्षा की फॉर्मूला बुक है. तो वो टाइम पे जेई एडवांस में जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जो सारी चीजें डिस्कस की, डेफिनेटली वो सब मेरे पास यहाँ पे वन नोट में सॉफ्ट कॉपी में भी है. इफ आई कैन शो यू ओवर हियर, ये जेई 2021 उनके बैच का. तो ये एडवांस, ये सारे हर्षा के पेपर के डाउट है, ये जब सब मैं आपसे लेने वाला हूँ. आपके लिए हम शुरू करेंगे FST 2 पेपर 2 FST 2 पेपर 1, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स निकलने वाले हैं. ये सारे ये हर्षा के डाउट है. होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो ये सबके लिए ये सारी चीजें हैं. तमोजित के डाउट अश्विन सर ने सॉल्व किए थे मैथ्स के, ब्रैंगली स्पीकिंग. वो टाइम पे कभी मैं फंस जाता था तो मैं तमोजित की हेल्प लेता था कि तमोजित ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, कि आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया. ये हर्षा के बैच में बाकी सभी स्टूडेंट्स के सीईटी के डाउट सॉल्विंग सेशन किए थे. तो ये इनका 2021 वाला पूरा है मेरे पास. तो उनकी डायरी, क्योंकि उनकी वो मेहनत है, हर एक स्टूडेंट हर एक जूनियर्स को मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेहनत करनी है. तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जेई एडवांस के लिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है. जस्ट जेई मेंस के रिस्पेक्ट में जेई एडवांस में डिफरेंस क्या है, जेई मेंस में आपके पास 3 घंटे आपको मैनेजर बनना है, जेई एडवांस में आपको स्टेमिना चाहिए क्योंकि आपको 6 घंटे निकालने हैं. करेक्ट हर्षा, करेक्ट मुझे वो आपको अच्छे से निकालना है. और अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास 1 महीना भी नहीं है और तमोजित हर्षा ने पूरी स्टोरी चालू कर दी 2 साल की,
पहले से, 3 साल की 4 साल की, हम 1 महीने में कितना करेंगे? मोरल ऑफ द स्टोरी वही है, आप 1 महीने में कुछ भी कर लो उसका फायदा नहीं होने वाला है। पिछले 2 साल से वहां से आपने जो किया है वो आपको करना है। दैट मीन्स आप हर एक के कोई ना कोई चैप्टर टफ होंगे, मतलब कोई ना कोई चैप्टर स्ट्रांग होंगे आपके लिए, कोई ना कोई चैप्टर वीक होंगे। तो जैसा आपका जेई मेन्स की प्रिपरेशन हम शुरू कर रहे थे रिविजन नवंबर दिसंबर वाले मंथ में, जब सीबीएसई के टर्म 1 चल रहे थे, तब आपको मैंने एक चीज बताई थी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए, जो बहुत लोगों ने गूगल शीट में बना के मुझे ये भेजा था। तो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट मतलब क्या है कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में आपके जितने चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स ऑलरेडी आपने लिखे हुए, एक बार वापस लिख दो। मैथ्स में M1 से M27 तक चैप्टर हैं, फिजिक्स में पता नहीं P1 से P30 होंगे आई गेस, केमिस्ट्री में C1 से C30 होंगे, उसमें कौन सा पार्ट आपके पिछले 2 साल में आपने जो जो पढ़ा है वो रिवाइज करो। कि M1 से M27 में जैसे हर्षा ने बोला कि वो पहले सेंगेज कर रहा था, फिर अवंती मॉड्यूल या अवंती मॉड्यूल सेंगेज साथ में, जो हमारे हुबली वाली टीम है वो आचार्य मॉड्यूल कर रहे थे, जो हमारे तोरनागलू वाले टीम है यहाँ पे एडवांस असाइनमेंट कर रहे थे हर एक चैप्टर के साथ, फिर यहाँ पे आर्यन जैसे आप एदास गुप्ता वाली बुक कर रहे थे, अभिराम आप अरिहंत कर रहे थे, बाकी सारे स्टूडेंट्स आप सेंगेज कर रहे थे, जो भी अलग अलग बुक आप कर रहे थे, जिस स्टूडेंट ने जो बुक की है वो आपको रिवाइज करना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि पिछले 2 साल में आपने क्या किया है पहले वो आपको एक चार्ट बना के रख दो कि पिछले 2 साल में ये आपने किया है, और उसी का सबसे पहले रिविजन करो एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि पिछले 2 साल में आपने जो किया है वही उसी के कलेक्टिव एफर्ट आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं। अब आई थिंक 1 by 1 हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें। तो 1 by 1 स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछेंगे और यहाँ पे तमोचेतन हर्षा उनके एक्सपीरियंस से आंसर देंगे। तो आप हैंड्रीज कर सकते हैं, ओरली पूछ सकते हैं, या चैटबॉक्स में पूछना चाहें, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। शैल वी स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एवरीवन? या तो हैंड्रीज करके, आप हैंड्रीज करके ओरली पूछोगे तो और बेटर रहेगा, आप चैटबॉक्स में पूछना चाहो तो चैटबॉक्स में। हाँ, आर्यन इज आस्किंग लास्ट 25 डेज एग्जैक्टली क्या किया उन्होंने, कि लास्ट 25 डेज लास्ट 30 डेज में क्या करना है। टेस्ट और प्रैक्टिस ही है, एरर करेक्शन बुक ही है, बट फिर भी एक बार हम उनसे सुन लेते हैं। बोलो तमोजित हर्षा, लास्ट 25 डेज? हाँ, तो बेसिकली वो टेस्ट और आई मीन क्योंकि अभी नया कुछ पढ़ना नहीं है 25 डेज में, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ के कुछ मिलने नहीं वाला, क्योंकि बाद में अभी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ोगे तो पहले का कुछ भूल जाओगे, ऐसा हो गया है तो एग्जाम में जाके। तो अभी जितना पढ़ा हुआ है उसका ही अच्छे से रिविजन करना जरूरी है, कि एटलीस्ट इतना मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली आता है इसमें मेरी गलती एकदम मिनिमम होनी चाहिए, तो वो जरूरी है। एंड टेस्ट और करेक्शन बुक तो हाँ करना ही चाहिए, एंड बार बार रिविजन करते रहो, पहले थियरी रिवाइज करते रहो एंड उसके बाद बाद में लाइक थियरी एक बार 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 रिविजन करने से पूरा कॉन्फिडेंट हो जाने के बाद जो प्रीवियस ईयर किया है जो एरर करेक्शन बुक है वो एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर जैसा ही टेस्ट आई मीन प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर क्या कैसा टेस्ट आने वाला है। तो वो करना है, नीसी भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर से जैसे क्वेश्चन आएंगे और जो करेक्शन मतलब एरर करेक्शन बुक में जैसे क्वेश्चन लिखे हैं वो वाले क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस ज्यादा, मतलब सॉल्व ना हो पाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो अच्छे से देखना है कि वैसे टाइप का क्वेश्चन है तो इस बार सॉल्व हो जाना चाहिए, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ तो इसलिए अभी अगर वापस वैसा कुछ आए तो सेकेंड टाइम मुझे वो आ जाना चाहिए, सेकेंड टाइम भी नहीं हो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों बहुत जरूरी है। मेरे केस में क्योंकि और भी लेट हुआ था, तुम लोग एटलीस्ट अगस्त से भी हो रहा है ना, मेरा और 1 महीने से भी ज्यादा और लेट हुआ था, तो एक तो ऑलरेडी क्योंकि आई थिंक मेरा मेंस के बाद से तो मैं एडवांस का ही कर रहा था, तो उसके बाद मैं टेस्ट तो बहुत दे चुके थे मैंने सितंबर तक ही, तो मैंने लास्ट 25 डेज में तो कोई टेस्ट दिया नहीं, मैंने बस ये रिविजन ही कर रहा था पूरे टाइम एंड टेस्ट पेपर्स वगैरह खोल के, तो उस टाइम मैंने बस रिविजन किया, टेस्ट नहीं दिया। बट क्योंकि तुम लोग का उतना लेट नहीं हो रहा, प्लस तुम लोग का सिलेबस भी मतलब अभी टाइम से ही चल रहा है ना, मेरा जैसे पहले हो गया था, तुम लोग का तो वैसा जिनका वैसा नहीं है जिनका भी टाइम से चल रहा है, तो तुम लोग टेस्ट भी देते रहो 1-2 हर हफ्ते, एंड इसलिए हाँ बस उतना ही, टेस्ट एंड एग्जाम कलेक्शन बुक यही मेन है अभी। ओके हर्षा अगर तुम लोगों में से जिसने भी लिख दोनों टेस्ट एक दिन नहीं दिया, जैसे मैं क्या करता था, टेस्ट सिर्फ एक पेपर एक टाइम पे देता था, दोनों पेपर पेपर वन पेपर टू साथ में नहीं देता था, तो कभी एक दिन पेपर वन दे दिया, सी लाइक एक दो पेपर कंप्लीटली दे सकते हो, लाइक पेपर वन आफ्टरनून को पेपर टू, ऐसा एक बार दे दो तो प्रैक्टिस हो जाएगा।
एक मिनट कैसे हम टाइम को मैनेज करेंगे? हाँ, शायद नेटवर्क वीक हो रहा है, आप एडजस्ट करेंगे। आप पेपर ऑन पेपर एनआईटी का वाईफाई से आशा वीडियो ऑफ कर दो, नहीं तो दो मिनट के लिए। हाँ, शायद बैंडविड्थ लो हो रही थी। हाँ, इंटरनेट के थोड़े फ्लक्चुएशन हो रहे थे, तो पेपर वन पेपर टू वाला सुनाई दिया, नहीं तो थोड़े टाइम के लिए वीडियो ऑफ कर दो। वी कैन सेव सम इंटरनेट देयर। ओके, तो यहाँ पे हर्षा ने जैसा किया कि हर्षा पेपर वन पेपर टू दोनों एक ही दिन पे नहीं दे रहा था, अलग अलग दिन पे दे रहा था, तो वही स्टेमिना जब मेन एग्जाम देने गया, मतलब एडवांस का रियल पेपर देने गया, तब वहाँ पे वो स्टेमिना की चीज उसको कमी महसूस हुई कि वो नहीं हो पा रहा है लाइक दैट। तो हर्षा आपको ये कहना चाहता है कि आप पेपर वन पेपर टू मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग में पेपर वन दे रहे हो तो आफ्टरनून में पेपर टू दे ही दो, राइट? राइट हर्षा, यही बोल रहे थे ना? क्लियर है अभी? हाँ, अभी क्लियर है। हाँ, तो एक दो बार ऐसा प्रैक्टिस दोगे कि दोनों पेपर वन पेपर टू साथ में एक दिन, हाँ, तो अच्छा होगा। और हर्षा तमोजित, ये आपका टाइमिंग क्या रहता था? जितना मुझे याद है पेपर वन वाला टाइम 10 to 1 या 9 to 12? 9:30 to 12:30 एंड 2 to 5। हाँ, तो स्टूडेंट्स ट्राई करो इसी एग्जाम में आप दो, इसी टाइम स्लॉट में आप दो, राइट? ताकि आपका माइंड बॉडी हैबिचुएट हो जाए 2 to 5। ओके, तो पहले लाइक मतलब जो 2020 में जितने मैंने टेस्ट दिए थे, मैं भी हर्षा की तरह एक दिन में एक ही पेपर दे रहा था, पर फिर सर ने, अविष्णु सर ने बोला कि ऐसे लाइक प्रैक्टिस नहीं रहेगा दो पेपर एक दिन में देने का, तो फिर मैंने दोनों एक साथ देना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा मोर ऑर लेस ऐसा ही रहता है, 9 to 12 एंड 1 to 4 ऐसे मैं देता था पेपर। तो ट्राई करो जितना क्लोज टू द एक्चुअल स्लॉट वैसे दो, ताकि मतलब बॉडी का भी एक क्लॉक होता है ना, तो उस टाइम पे जितना दिमाग को ट्रेन करोगे सोचने के लिए उतना दिमाग बेटर काम करेगा उस टाइम पे। वो भी है, यस, बायोलॉजिकल क्लॉक आपका सेट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे नाउ कितने टेस्ट देने हैं, लाइक एवरी डे और वंस इन टू डेज, तो ये तो हो गया। अब टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट? एंड स्टूडेंट्स, आपके लिए सारे टेस्ट में डालता जाऊंगा, सारे टेस्ट विष्णु सर ने मुझे भेज दिए हैं, तो सारे टेस्ट में ग्रुप में डालूंगा। वो शुरू करना ही है, इवन आज से ही शुरू कर देंगे जैसे मुझे टाइम मिलता है। एंड जैसे वो हम शुरू करेंगे, फिर उसके डाउट, जैसे पेपर वन हम डाल रहे हैं उसका एरर करेक्शन बुक, आपके जितने डाउट्स होंगे फिर पेपर टू डालेंगे लाइक दैट। अब उसमें सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो जो स्टूडेंट्स जितना जल्दी भाग रहे होंगे वो दूसरे पेपर करते जाएंगे। अगर आपकी कैपेसिटी जितनी है उस हिसाब से आपको चलना है। पेपर वन के बाद 2 दिन 3 दिन आपको डाउट उसके लिए लग रहे हैं पूरा ईसीबी बनाने के लिए, तो पहले वो निकाल लो, वो पहले बना लो। ओके, एंड ठीक है, एक मिनट एक एक करके सारे क्वेश्चन आते हैं वन बाय वन। तो पहले टेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, तो तमोजित आपकी टेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी? मैं हफ्ते में 3 टेस्ट देता था ऑल्टरनेट डेज पे, 3 मतलब 3 पेपर 1 पेपर 2। ओके, वीकली 3 सेट्स, पेपर वन पेपर टू को हम एक सेट मान रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो ऑल्टरनेट डेज में बोल सकता हूँ, अगर वीकली ऑल्टरनेट डेज, हाँ, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मोर ऑर लेस, मतलब ऐसे एक दिन छोड़ के, तो एक दिन मेरा वो पेपर वन पेपर टू हो रहा था, नेक्स्ट डे मैं उसका वो देखता था कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई एंड ट्राई करता था, तभी वो मैं बना लूँ एरर करेक्शन लूँ। तो अगर नहीं भी बनता था तो लाइक जो एक्स्ट्रा दिन बचा एक वीक में तो तब खत्म हो जाता था, वरना हो जाता था मतलब एक से। और अगर नहीं हो रहा तो मतलब ऐसा नहीं कि वीकली 3 ही देना है, तो जिस अब तक जितने फ्रीक्वेंसी से दे रहे थे उसी से कंटिन्यू करो, अभी अचानक से बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं है। तो जिसका जैसा फ्रीक्वेंसी है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, सबका पेपर के लेवल पे इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, राइट। क्योंकि फिजी के टेस्ट जैसे मैं काफी टाइम लाइक फिजी के टेस्ट पर डिफिकल्ट होते थे, तो उसके लिए मैं 2 दिन लगाता था एरर क्वेश्चन बुक अच्छे से बनाने में, तो वो फिर मैं हफ्ते में 2 ही देता था। एलन के थोड़े कंपैरेटिवली इजी होते थे तो उसका हफ्ते में 3 हो जाता था वैसे। ये सारे आपके भी होने वाले हैं स्टूडेंट्स, फिजी वाले, एलन वाले, रेजोनेंस वाले हम आपको कराएंगे, राइट? चलो हर्षा, आपकी फ्रीक्वेंसी? 2 per week। एक दिन टेस्ट दिया, उस दिन बचे हुए टाइम पे जो क्वेश्चन नहीं बने थे वो ट्राई करूंगा मैं खुद। अगले दिन सॉल्यूशन देखूंगा और फिर उसके नेक्स्ट दिन मैं स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ूंगा, कुछ नया हो गया या जो चैप्टर मेरे को लगा कि ये करना है मुझे तो उसका पढ़ लेता फिर वापस टेस्ट, राइट? हाँ।
ओके, तो आप आपके हिसाब से जा सकते हो, किसी स्टूडेंट का वीक में 2 टेस्ट हो रहे हैं, किसी स्टूडेंट का वीक में 3 टेस्ट हो रहे हैं, तो डोंट वरी, एक दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एंड आई गेस लास्ट वीक हम रिविजन के लिए रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास अभी 28 अगस्त जितना मुझे याद है वही डेट है ना एवरीवन, 21 संडे है एंड देन 28 अगस्त, करेक्ट स्टूडेंट्स? 28 अगस्त इज योर जेई एडवांस डेट, तो लास्ट वीक हम रिविजन के लिए रख सकते हैं, करेक्ट? हाँ, लास्ट वीक तो बिल्कुल टेस्ट नहीं देना, मतलब हाँ, मैं तो जैसे बोला मैंने लास्ट 3 हफ्ते कोई टेस्ट नहीं दिए थे, बट अभी दे लो, बट लास्ट वीक बिल्कुल, मतलब रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं करना है, लास्ट वीक टेस्ट देते देते भी कुछ ज्यादा इम्प्रूव नहीं होगा लास्ट वीक में, तो बस रिवीजन पे ध्यान देना, रिवीजन पे ध्यान देना। अब तो लास्ट वीक के रिवीजन में एग्जैक्टली करना क्या रहता है, मतलब सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? Okay. तो हाँ, लास्ट वीक रिवीजन वही करना है, मतलब जैसे मेरा जो था एरर करेक्शन बुक, क्योंकि मैं लाइक 2020 मैं जैसे बोला मैं 12th का पोर्शन ही हो गया था मई या जून में, तो उसके बाद से मैं टेस्ट ही देता रहा था, तो मेरा बहुत बड़ा एरर करेक्शन बुक बन गया था, तो उसका फिर रिवीजन एक एक सब्जेक्ट के मुझे 3-4 दिन लगते थे, तो फिर इसलिए मैंने वो टेस्ट नहीं दिए लास्ट में, बट वो डिपेंड करता है तुम लोगों का एरर करेक्शन बुक अच्छे से पूरा वापस देखने में कितना टाइम लगता है, एंड फिर उसके बाद अभी जैसे 1-2 दिन में सपोज एक एक सब्जेक्ट हो जाएगा तुम लोग का, अगर मतलब जितने टेस्ट दिए उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, एरर करेक्शन बुक के साथ मैं और भी करता था, जिसकी वजह से मुझे 3-4 दिन लग गए, मैं वो पूरा का पूरा पेपर वापस एक बार सारे क्वेश्चन देखता था, कि अभी जैसे मैं अभी टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन आ गया, वो मैं 1 महीने बाद वो टेस्ट दूंगा और वो क्वेश्चन मुझे आएगा, उसकी गारंटी नहीं होती हमेशा, तो कोई लाइक पर्टिकुलरली कोई ट्रिक क्वेश्चन होता है तो उसका तब दिमाग में चमक गया क्या करना है, बट बाद में नहीं चमका 1 महीने बाद, तो वो हम बहुत बार होता है, तो इसलिए वापस पेपर एक बार देख लेना अगर टाइम मिलता है तो, ये कंपलसरी नहीं है, अगर वापस पेपर एक बार देख सको कि कौन सा एक, मतलब बस क्वेश्चंस एक बार देखना है कि क्वेश्चन पढ़ के अगर लग रहा है कि हाँ ये करके आ जाएगा दिमाग में, अगर प्रोसेस क्लियर है तो स्किप कर दो, वापस सॉल्व करने तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अब वो वैसे एक बार क्वेश्चन मैंने देखे थे तो इसलिए मुझे काफी टाइम लगा था वो इसी की रिविजन करने में, अभी लास्ट 1 हफ्ता है, तो अभी फॉर्मूला बुक जो है वो 1 हफ्ते में फॉर्मूला बुक और एरर करेक्शन बुक ये दोनों बहुत अच्छे से देख लेना, और केमिस्ट्री में थियरी जितना रिवाइज कर पाओ और एक बार कर लेना, मतलब अभी तो थियरी बहुत रिवाइज कर ही रहे होगे, मतलब काफी थियरी है केमिस्ट्री में पता ही होगा तुम लोगों को, तो वो एक बार लास्ट वीक में देख लेना जरूरी है, तो वही ये चीज है, और सेकेंड पॉइंट ऑप्शनल है, सेकेंड पॉइंट मतलब अगर टाइम है तो तभी करो वरना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये करने में काफी टाइम लगता है एरर करेक्शन बुक में, सपोज अभी 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, बट अगर तुम सारे क्वेश्चन देखने जाओगे तो वहाँ उतने हो जाएंगे, तो 4 गुना ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो टाइम देख के खुद से समझ के करना है। हर्षा? हाँ सर, लाइक आखिरी हफ्ते में एक तो रिविजन तो इम्पोर्टेंट है, मैथ्स के मैं चैप्टर्स रिवाइज करता था, जैसे कनेक्टेड चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री 11th का कर लिया था, साथ में 12th का भी इन्वेस्टिंग कर लेता हूँ, तो वैसे अपना लिंक ढूंढ के चैप्टर को रिवाइज करते जाओ, तो एक 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 दिन में 3 चैप्टर मैथ्स के, 3 फिजिक्स के ऐसे रिवाइज कर लेना, और क्या होता है कि लास्ट में मैथ्स का और फिजिक्स का कुछ नया पढ़ने जाओगे तो सच्ची में पुराना भूल जाओगे, लेकिन केमिस्ट्री के साथ ऐसा नहीं होगा, केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हो तो भी एग्जाम में काम आएगा, लाइक कंप्लीट अलग है, आज कुछ नया सीख लिया तो पक्का हो सकता है कि काम आएगा, क्योंकि मैंने जैसे केमिस्ट्री के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो इसी लास्ट 1-2 हफ्ते में ही पढ़ा था मैंने, ताकि मुझे एग्जाम में याद रहे, इससे पहले पढ़ लेता तो एग्जाम में याद नहीं रहता, तो ऐसे इनऑर्गेनिक है कोई टॉपिक्स जो लगता है कि इससे पक्का क्वेश्चन आने वाला है तो वो रिवाइज कर लेना, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, तो बस। और हाँ, ईसी भी इम्पोर्टेंट है, ईसी भी 1 हफ्ते के, एग्जाम कल है तो 2-3 दिन पहले ईसी भी स्टार्ट कर लेना, एक बार पहले पूरा रिवीजन फिर एसीबी। तो केमिस्ट्री में अगर कोई नया ये मिलता है थियरी, जैसे अभी फिजी एलन के पेपर्स अभी दिए हैं या दोगे, तो उसमें केमिस्ट्री में काफी नई नई चीजें मिल जाएंगी जो एनसीईआरटी के बाहर होंगे और तुम्हें लगेगा सिलेबस में नहीं है, बट उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जेई एडवांस वाले दे आर नॉट बाउंड कि हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं देंगे, तो उसमें से भी अगर केमिस्ट्री का कुछ नया मिल जाता है तो वो एरर करेक्शन बुक में ही इंक्लूड कर लो, मतलब बहुत ही रैंडम सी चीजें होंगी कभी कभी क्वेश्चन पेपर में, तो वो एक बार अपने टीचर से पूछ लेना कि कितना रेलेवेंट है, और अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो वो भी एरर करेक्शन बुक में इंक्लूड कर लेना, तो एक बार में जो नया थियरी होगा जो भी टेस्ट से मिला होगा वो भी रिवाइज हो जाएगा, तो जैसा हर्षा ने बोला केमिस्ट्री में थियरी आता ही रहता है नया नया, तो जितना कर सकते हो कर लो।
न्यू थियरीज भले एनसीईआरटी में नहीं हो, आपको पढ़ना ही है, राइट? हाँ, क्योंकि उन्होंने तो ऑफिशियली बोला नहीं है कि हम एनसीईआरटी के बाहर से नहीं लेंगे, उन्होंने बस सिलेबस में टॉपिक्स बोल दिया, टॉपिक में कुछ भी आ हाँ सकता है। हाँ ठीक, उसमें आप रिस्पेक्टिव टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। फिर एक स्टूडेंट का पूछना था कि पेपर वन और पेपर टू में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, क्या लेवल अलग होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लाइक दैट। हाँ, तो बेसिकली पास्ट ईयर पेपर्स देखोगे तो लेवल तो अब ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं होता, लेवल कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। पास्ट ईयर पेपर है वही पेपर्स में वेरी करता है, लेवल का कोई डिफरेंस नहीं होता उनकी तरफ से एटलीस्ट, मतलब बहुत नहीं होता, मींस एडवांस इतना तो डिफरेंस नहीं होता लेवल में कोई भी। और पेपर वन और पेपर टू का मोस्टली ऐसा होता है कि फॉर्मेट अलग होता है। तो पेपर वन में जैसे सपोज ऐसा गया एमसीक्यू, मतलब सिंगल एमसीक्यू, मल्टीपल एमसीक्यू और इंटीजर, और फिर पेपर टू में मैट्रिक्स मैच और डेसिमल और वैसे मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो मोस्टली उन दोनों का फॉर्मेट सेम नहीं होता, कभी कभी हो भी सकता है। बेसिकली उन्हें क्वेश्चन ज्यादा देने हैं, तो बस पेपर वन पेपर टू एक साथ कंटिन्यूअस 6 घंटे नहीं ले सकते ना, तो बस उसके लिए 3 घंटे करके पेपर वन पेपर टू किया है, और कोई रीजन नहीं है अलग अलग इसका नाम का। और फॉर्मेट तो उनका जो मन करेगा वो दे देंगे, वो उसका कोई भरोसा नहीं, और वो पहले से पता भी नहीं चलता, वो हाँ वहां जाके रूल्स पढ़ने के टाइम तब पता चलता है क्या फॉर्मेट है, कि टोटल मार्क्स भी पता नहीं चलेंगे तुमको, वो सब रूल्स में ही सही हाँ निकलेगा। टोटल मार्क्स पता नहीं चलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्या इक्वली डिवाइडेड होता है दोनों पेपर में या हाँ, फिर? तीनों हाँ तीनों सब्जेक्ट्स दोनों पेपर में सेम सेम वेटेज का होंगे, सेम मार्क्स के होंगे तीनों। ओके ओके। हाँ ये सेम वेटेज के ऊपर एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था एक बार फोन पे कि मतलब तीनों में कोई मिनिमम क्राइटेरिया है कि तीनों में इतना इतना तो क्लियर करना ही करना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, जब आपका जेईई का स्कोर बनता है एडवांस का। हाँ, उसका कोई मिनिमम क्राइटेरिया है, तीनों में कुछ परसेंटेज आना है, बट वो परसेंटेज मुझे याद नहीं है, बट वो मिल जाएगा, वो इन नेट पे सर्च करोगे तो इन ठीक सब है का रहता है, वो मिल हाँ, जाएगा। वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है। लाइक मेरे यहाँ पे कुछ हाँ दोस्त से बात भी हुई, लाइक उन्हें आया तो लाइक 80-90 ऐसा है, लेकिन एक सब्जेक्ट में मिनिमम नहीं आने पे कारण रैंक नहीं मिला। हाँ वो होता है। ओके, आरहन स्टेलिंग 35% है शायद मिनिमम, ठीक है आरहन, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया हम थोड़ा देख लेंगे, तो ये हमें देखना है। फिर एक और चीज, वन स्टूडेंट इज आस्किंग हाउ दे इम्प्रूव देयर वीक सब्जेक्ट्स, वीक चैप्टर्स हम कैसे या वीक टॉपिक को कैसे किया जाए, वीक एरियाज को कैसे इम्प्रूव किया जाए, पर टाइम कम है इस बार। तो वीक एरियाज एज सच, मतलब मेरा अलग से, मतलब वीक वैसे अलग से पता नहीं चल रहा था, मतलब मैं टेस्ट में देता था तो ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर के क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो मैंने अलग से कुछ नहीं किया। बट हाँ, अगर वीक कोई लग रहा है किसी सब्जेक्ट में बार बार गलतियां हो रही हैं, मैं किसी टॉपिक में सॉरी, तो उस पर उस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मतलब ऐसे अभी अगर ऐसे एक बुक से वो चैप्टर किया है तो ट्राई की दोस्तों के पास अगर दूसरी बुक है तो उससे भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। एंड अभी अभी तो टाइम भी कम है, तो हाँ ज्यादा बहुत ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि कुछ वीक एरियाज है तो कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज भी होंगे ना, तो मोर और लेस बैलेंस आउट हो जाता है। हाँ तो अभी क्योंकि टाइम कम है, वरना मैं बोलता कि दूसरे क्वेश्चंस करो यहाँ वहाँ से, मतलब टेस्ट पेपर उठा के स्पेसिफिकली उस चैप्टर के क्वेश्चंस ढूंढ के करो, बट अभी टाइम कम है तो वो सब नहीं बोलूंगा। तो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर पा रहे हो कहीं और से, दोस्तों के पास दूसरी बुक है, या कोई टेस्ट पेपर पूरा नहीं कर रहे बस वो क्वेश्चंस उठा के कर रहे हो, वो सब कोशिश कर सकते हो। एंड बेसिकली वही वीक एरियाज एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज बैलेंस आउट हो जाता है, तो अलग से किसी स्टूडेंट को एडवांटेज या वैसे नहीं होता, ओवरऑल हो जाता है। तमोजित, आपको आपके मार्क्स याद है एग्जाम में? तमोजित हर्षा, मार्क्स कितने आए थे वो याद है अप्रोक्सीमेट? टू हाँ सर, मेरा 236 आया था, थर्टी सिक्स 360 टोटल था उसका एंड हमारे टाइम। 236 आउट ऑफ 360 पेपर हाँ वन पेपर टू मिला के। हाँ हाँ सर, बने के बने की था, इंडिविजुअल याद नहीं आ रहा सर अभी। ओके, आपका सब्जेक्ट वाइज अच्छा याद है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 87, 83 और कितना बचा, 69 ऐसा कुछ, ठीक है। और तो ऐसा नहीं। हर्षा, हाँ हाँ मेरा 67, 166 था। 166, 166 करेक्ट। सब्जेक्ट वाइज लिख लिखा हुआ बुक पे, वो शायद अभी हाँ यहाँ पे अरे नहीं है नो मेरे पास। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, वो तो क्योंकि वो इसलिए पूछ रहे हैं ताकि बच्चों को यहाँ पे आइडिया आ जाए।
तो हर्षा का जेई एडवांस रैंक था 3163 एंड तमोजित का जेई एडवांस रैंक था 516. तो आप जो स्कोर्स ला रहे हो वहां से आपको पता चले. सो दिस वर देयर एक्चुअल स्कोर्स. तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं यहाँ मॉक टेस्ट जब आप दे रहे थे वहां पे आपके स्कोर्स कौन सी रेंज के बीच में आते थे? व्हाट वाज योर एवरेज मॉक टेस्ट स्कोर्स लाइक दैट? हाँ तो एडवांस में सबसे ज्यादा आया. हाँ हर्षा तुम बोल लो पहले. हेलो. हाँ हर्षा. तो हाँ, जब मॉक टेस्ट से ज्यादा एडवांस में आए. और मॉक टेस्ट में कितने आते थे अप्रोक्सीमेट? इससे भी कम. हाँ. 100 भी क्रॉस नहीं किया हूं एक दो टेस्ट में. ओके. सो लेस देन 100 अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ. बट वो पेपर वन पेपर टू के हिसाब से लेस देन 100 आउट ऑफ दोनों पेपर मिला के टोटल लेस देन 100. इसीलिए मतलब जो टेस्ट दिया उसका लेवल काफी हाई था और एडवांस उससे काफी आसान था. ओके. और तमोजित? मेरा मॉक टेस्ट में जनरली ज्यादा आता था बट क्या हुआ कि एडवांस में लाइक मैथ्स में मेरा स्कोर कम हो गया काफी. मैथ्स में बेसिकली तीनों में फिजिक्स और मैथ्स में मैंने गलतियां काफी कर दी. मतलब वो क्वेश्चन मुझे आते थे बट कहीं बीच में मेरी गलती हो गई वहाँ पे. तो अराउंड वैसे अराउंड 30 मार्क्स तो वहाँ मेरे गए. तो मेरा जो मॉक टेस्ट में 360 में से है तो मेरा 270 से 300 के बीच में आता था. बट एडवांस में मेरी गलतियाँ हो गई थी ज्यादा. तो वो भी लाइक अवॉइड करने की कोशिश करनी है. मतलब वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है वो. मतलब जैसे कोई क्वेश्चन करो कहीं कोई प्रोसेस मेरा सही था बट क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या उसका सॉल्व करने का तरीका अगर गलत है या कोई नंबर गलत ले रहे हो बीच में या कोई मतलब दिमाग वैसे पूरा अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो तो वहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वो नॉर्मली एक दो तो होते ही हर टेस्ट में. वैसे एकदम परफेक्ट फ्लॉलेस तो नहीं होता. तो एक दो होते थे हर टेस्ट में तो वहाँ ठीक है. वहाँ 4-8 नंबर्स कट गए उतना ठीक है. बट यहाँ पे ज्यादा हो गए थे मेरे एडवांस में. अराउंड 30 मार्क्स दोनों पेपर मिला के हो गए थे. तो वो कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टेस्ट के टाइम कि अच्छे से पूरा बैठ के क्वेश्चन करो पूरा अच्छे से करो. तो मेरे टाइम पे वैसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था मेरा वो. आई डोंट नो क्यों हुआ इतनी गलती बट हाँ. तो उसमें हाँ ये स्टैमिना मेंटेन करना भी जरूरी है. एंड लास्ट में मत ये नहीं सोचना है क्योंकि एडवांस के बाद तो तुम लोग फ्री हो जाओगे ना. तो ये नहीं सोचना है कि कब खत्म होगा कब खत्म होगा एंड फिर घर आराम कर सकते हैं एक महीना. वो दिमाग में लेके टेस्ट दोगे फिर तो पक्का गड़बड़ होने वाला है. एंड ये नहीं रखना बाकी हाँ कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना है. और अगर एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो पैनिक नहीं करना है. तो मेरे 2-3 क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए थे वो इस वजह से हुए थे कि कंटिन्यूअस में मेरा नहीं हो रहा था. और आई थिंक एक दो क्वेश्चन मेरे नहीं होते तो मैं वहीं पे पैनिक करने लग जाए क्योंकि मॉक टेस्ट में मेरा बहुत रेयरली क्वेश्चन छूटता था. गलत होता था वो ठीक है या नहीं आ रहा वो बहुत कम होता था. तो जैसे 300 मेरा टोटल हुआ ना तो, मतलब 270 या 300 मेरा टोटल हुआ तो उसमें छोड़े हुए क्वेश्चन 20-30 नंबर ही होते थे. बाकी मतलब मेरा या तो मैंने गलत किया या फिर पार्शियल अटेम्प्ट ऐसे होता था. बिल्कुल ही क्वेश्चन छोड़ दिया वो मेरा कम होता था. तो यहाँ एडवांस में क्योंकि जैसे मेरा एक दो क्वेश्चन छूटा तो मुझे लगने लगा कि बहुत छूट रहा है. तो वो नहीं होना चाहिए. उससे माइंड का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए. तो वहां से बेसिकली मेरे जो गलतियां हुई जो एक्चुअली मुझे आता था बट नहीं हो पाया वो सब वहां से हुआ था. तो पैनिक नहीं करना कि नहीं हो रहा. एडवांस में भी वही केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स अटेम्प्ट करना है कि कैसे भी और करना है? हाँ तो एक ही है बस सब्जेक्ट बीच में इधर उधर मत करो. मतलब अगर फिजिक्स कर रहे हो तो ट्राई की फिजिक्स का जितना अटेम्प्ट करना है वो पूरा अटेम्प्ट करके खत्म करो. हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं करने हैं बट जितना तुम्हें आ रहा है वो कंटिन्यूअस करो. एंड फिर मैथ्स से स्टार्ट किया तो मैथ्स कंटिन्यूअस में करो. तो वो सब्जेक्ट का ऑर्डर तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है. तो मैं पर्सनली जो करता था मैं जिस ऑर्डर में ये आता था क्वेश्चन पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऑर्डर में आता था तो मैं उसी ऑर्डर में सॉल्व करता था मेनली. क्योंकि फिजिक्स में जैसे मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है. जैसे मेंस के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मेंस में फिजिक्स में सपोज अराउंड 50 मिनट्स ऐसा कुछ लगा. फिर केमिस्ट्री जनरली जल्दी हो जाता था अराउंड हाफ एन आवर 40 मिनट्स में. एंड फिर मुझे पता रहता था कि मैथ्स में टाइम लगने वाला है. तो अगर मैं मैथ्स पहले करूँ और उसमें टाइम लग गया तो बाद में मुझे पैनिक होने लगेगा कि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म होगा कि नहीं. तो इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पहले कर लेता था. तो अभी तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. तो एक ट्राई करो कि जो भी टेस्ट दे रहे हो या अब तक जो देते आ रहे हो तो आई होप कि तुम लोगों ने कोई ऑर्डर बना लिया होगा ऑलरेडी कि किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है पेपर. तो उसी ऑर्डर को कंटिन्यू करो. अचानक से चेंज मत करो अभी.
एंड एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो उसी को ट्राई करो खत्म करने का, पहले बीच बीच में इधर उधर मत करो क्वेश्चंस का, तो इतना ही हमें याद है। हर्षा लाइक ऑर्डर मैटर तो खुद पे डिपेंड करेगा कैसे करते हैं ऑर्डर। मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही करता था क्योंकि मेरा ये था कि फिजिक्स मैं कर लूंगा, केमिस्ट्री टाइम बचाएगा और मैथ्स तो अलग ही आता है, तो मैथ्स तो वैसे भी अगर नहीं बन रहे तो नहीं बनेंगे, तो ऐसा इसलिए मैथ्स हमेशा लास्ट ही रखता था। जो भी स्कोर किया मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में किया, मैथ्स वैसे मैं पेपर वन में मेरे फर्स्ट हाफ एन आवर में मैथ्स एक भी क्वेश्चन नहीं बना था तो पूरा टेंस्ड हो गया था। तो मैथ्स लाइक कंप्लीट इतना अच्छा नहीं गया मेरा एडवांस में मैथ्स, तो मैंने जो भी स्कोर किया फिजिक्स केमिस्ट्री में किया। तो तुम अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो, या तुम्हें टाइम बचाना है ऐसे तो पहले फिजिक्स से शुरुआत करो, करेक्ट बनाओ ना खत्म करो, केमिस्ट्री जल्दी करो, मैथ्स करो। किसी भी क्वेश्चन में तो मेरे टाइम पे उनका ये वियर्ड सा ऑर्डर था कि आई मीन मार्किंग स्कीम था लास्ट ईयर के पेपर में, तुम लोगों ने देखा भी होगा आई थिंक, पता मतलब प्रीवियस ईयर में, तो उनका लाइक जो सिंगल एमसीक्यू थे वो प्लस थ्री माइनस वन थे, एंड सिंगल वाले प्लस थ्री माइनस वन, फिर डबल वाले प्लस फोर माइनस टू विथ पार्शियल मार्किंग, एंड ठीक है ये दोनों का सेंस बना था। उसके बाद जो डेसिमल वाले क्वेश्चंस थे, मतलब जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है, वो बस दो मार्क्स के थे, एंड जो इंटीजर वाले थे जिसमें अच्छा मतलब न्यूमेरिकल आंसर थोड़ा बेटर आता है, वो वाले थे चार मार्क्स के। तो मैंने क्या किया, मेरे से जैसे मैंने बोला गलतियाँ हो गई ना, तो वो क्या हुआ मेरे जो डेसिमल वाले थे जो दो मार्क्स के थे जिनका वेटेज कम था वो मेरे ऑलमोस्ट सारे करेक्ट हो रहे थे, बट जो गलतियां हुई वो मेरे इंटीजर वाले में। हाँ सर, न्यूमेरिकल मतलब वो इंटीजर है स्पेसिफिकली, इंटीजर के आंसर्स बेटर आते हैं, मतलब थोड़े ये होता है क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता ना, तो वो बेटर होता है। तो मेरे डेसिमल वाले ऑलमोस्ट सारे करेक्ट हुए थे, बट इंटीजर वाले ये गलत हो गए थे ज्यादा। तो उसका ये एक रीजन था कि मल्टी करेक्ट में जो मतलब मल्टी करेक्ट में सपोज मुझसे दो तीन क्वेश्चन नहीं हुए तो वो पैनिक मेरे मन में बैठ गया था, मुझे था कि मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं, तो मैं फिर इंटीजर में चला गया था और वो पैनिक कैरी फॉरवर्ड होके फिर इंटीजर में जाके मेरा गलत होने लगा वहाँ पे। तो वो देख लेना मतलब किस स्टेट ऑफ माइंड में तुम कौन सा सेक्शन अटेंड कर रहे हो। तो अगर बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बड़े खुश होके मतलब हाँ मेरा बन रहे हैं क्वेश्चन अच्छा चल रहा है, तो उस टाइम वो वाले उस टाइम पे तुम ट्राई करो कि ज्यादा मार्क्स वाले अटेम्प्ट हो, एंड बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि क्वेश्चंस ये हो गए मुझसे तो सब हो रहा है तो सब आसानी से हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। बट अगर मतलब अच्छे दिमाग से करो तो ज्यादा मार्क्स वाले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और अगर पैनिक हो रहा है कहीं पे तो ट्राई एंड गोइंग टू कम मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो कभी कभी भी होता है कि कम मार्क्स वाले में उनके ईजी होते हैं, तो जैसे डेसिमल में आई थिंक फिजिक्स का सेक्शन था मुझे वो ईजी लगा था, केमिस्ट्री में तो छोड़ दो केमिस्ट्री में गंदे कैलकुलेशंस आने ही है कुछ नहीं कर सकते उसका, बट फिजिक्स का कंपैरेटिवली डेसिमल सेक्शन मुझे इजी लगा था। तो वहाँ पे एक फायदा ये भी होगा कि अगर ये मतलब पैनिक हो गया है तुम्हें एंड फिर तुम्हें लग रहा है कुछ आ नहीं रहा, तो मतलब कम वेटेज वाले क्वेश्चंस करके एक तो अगर गलत हो रहा है तो मार्क्स कम कटेंगे, और कम वेटेज वाले क्वेश्चंस अगर इजी हुए तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें ये भी लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है, अब थोड़ा माइंड बेटर है, तो फिर हम ज्यादा मार्क्स वाले में जा सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। स्लोली स्लोली आगे बढ़ सकते हो, जैसे डाउन शिफ्ट बोला जाता है, कम मार्क्स से ज्यादा मार्क्स की तरफ, राइट। फिर यहाँ एक स्टूडेंट का पूछना है कि हम एसडब्ल्यू यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, मतलब वो जैसे जेई मेंस में अप्लाई करते हैं, सम विल सम वांट सम वेटिंग फॉर यू क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन ये नहीं बन देख के ही पता चल जाता है। तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को कि हाँ ये एलियन है ये नहीं बनने वाला है, ये बनेगा पर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में बनेगा, और ये पहले अटेम्प्ट में ही बन जाएगा। तो ऐसा SW वाली कैटेगरी का ये जे एडवांस में यूज कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि जे एडवांस में तो और भी ज्यादा, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल मतलब लेवल वैसे नहीं होता अलग से, मतलब तुम्हें कैसा लग रहा है वो क्वेश्चन, तुम्हें आसान लग रहा है तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो वो मतलब होगा ही, सम विल सम वोंट सम सम वेटिंग फॉर यू, हाँ तो वो तो डेफिनेटली होगा। एंड ऐसे केस में जैसे मैं क्या मेरे साथ क्या हुआ था, मॉक टेस्ट में मेरे जो सम विल थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहते थे, एंड ठीक है सम वोंट भी रहते थे उसमें, सम विल एंड सम वोंट का मिक्सचर जो रहता था वो
सॉरी सम विलन सम वेटिंग फॉर यू, ये दोनों का मिक्सचर ज्यादा रहता था. एंड जो सम वोंट थे, मतलब जो होंगे ही नहीं बिल्कुल, वो कम रहते थे. तो अब जब एग्जाम में मुझे सम वोंट वाले ज्यादा मिल गए तो तभी मेरा वो पैनिक होने लगा. एंड उसके बाद जो सम विल वाले थे वो भी इधर उधर थोड़े हो गए थे. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन देख के अगर समझ रहे हो कि आने वाला है या नहीं, मतलब एक तो क्वेश्चन देख के पहले दिमाग में इंटरनली प्रोसेस हो जाना चाहिए कि हाँ इस स्टेप से इस स्टेप में जाना है, इस स्टेप से इस स्टेप में जाना है. तो वो अगर दिमाग में उस टाइम पे चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. तो अगर पूरा प्रोसेस तुम्हें क्लियर, वो सोचने में आई थिंक 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे. मतलब नंबर डाल के तो करना नहीं है वो, थोड़ा मतलब रफ आइडिया होना चाहिए कि हाँ यहाँ से यहाँ ये वेरिएबल मुझे दिया है तो इससे मैं ये निकाल सकता हूँ, वो वेरिएबल से वो निकाल सकता हूँ, या फिर बैक ट्रैकिंग करो कि फाइनल आंसर मुझे एक्स चाहिए तो एक्स मैं वाई से निकाल सकता हूँ, बट वाई मेरे पास नहीं है तो वाई मैं जेड से निकाल सकता हूँ. वो बैक ट्रैकिंग करके अगर निकाल पा रहे हो तो वो वाले क्वेश्चन सम इसमें आते हैं, सम विल या सम वेटिंग फॉर यू, अगर बिल्कुल अच्छे से आ गया तो ये वाले क्वेश्चन. एंड अगर अगर नहीं आ रहा उस टाइम पे, बट थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया है कि हाँ ये यहाँ तक मैं आधा स्टेप तक तो कर सकता हूँ, बट उसके आगे कैसे प्रोसीड करना है वो नहीं आ रहा. तो वैसे केस में जैसे वो मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन तो रहता ही है, वो करके रखो. और अगर स्पेशली मल्टीपल करेक्ट में अगर मतलब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तो तुम्हें पता नहीं होता कितने ऑप्शंस करेक्ट है. तो उसमें अगर वैसे लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन पक्का पता है, ये ऑप्शन पक्का पता है, कुछ एलिमिनेशन से निकल गए, तो वो भी मार्क फॉर रिव्यू करके रखो, वो वापस विजिट कर सकते हो उन क्वेश्चन को. एंड सम वॉन्ट जो है, जो देख के ही लग रहा है कि ये क्या ही आ गया नहीं आ रहा, तो वो वाले छोड़ दो. तो तुम्हें दिखता ही है ना बेसिकली, मतलब ये तीन कैटेगरी है जो है वो तुम्हारे वहां पे दे करिस्पॉन्ड टू ग्रीन क्वेश्चन वाला स्क्वायर एंड पर्पल होता है आई थिंक मैथ फॉर रिव्यू एंड रेड. तो बेसिकली तीन कैटेगरी वाले अच्छे से डिवाइड कर सकते हो, उन्होंने ऑप्शन देके रखा है इसलिए मैथ फॉर रिव्यू का अच्छा वाला. तो ये तो डेफिनेटली करना ही है एग्जाम में. ओके, दूसरा यहाँ पे एक ये था कि अभी टाइम कम है तो प्रीवियस ईयर के टेस्ट दे या फिर फिटजी एलन के टेस्ट. मैं रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर की टेस्ट मत दो, डायरेक्ट वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो करेक्ट दिशा में से. एंड टेस्ट में हम यहाँ पे ग्रुप में डालेंगे वो वाले देना, एलन फिटजी रेजोनेंस ये सब हम मिक्स डालेंगे. हाँ हाँ बिल्कुल. तो प्रीवियस ईयर बेसिकली तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर आई थिंक करते आ रहे होगे चैप्टर है ना. हाँ, तो वापस टेस्ट देने का फायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड होने वाले हैं. तो ज्यादा से ज्यादा लास्ट ईयर का अगर नहीं किया होगा, क्योंकि दिशा तो बिल्कुल एकदम रिसेंट, अगर इस साल नहीं खरीदा होगा तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें. तो लास्ट एक दो साल का अगर नहीं किया है तो वो एक दो टेस्ट दे दो बस, और बाकी फिजी एलन के ही दो अभी. जो हम यहाँ पे यहाँ के लिए बस टेस्ट के लिए ग्रुप लिख देता हूँ, आपके ग्रुप में हम डालते रहेंगे. ओके, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन ये था, ये हो गया. एडवांस में एक पेपर में अप्रोक्स कितने क्वेश्चन रहते हैं ईच सब्जेक्ट, आई थिंक वो फिक्स नहीं होता, वो उधर ही पता चलता है राइट समझे. हाँ सर, तो एक्चुअली क्या होता था पहले हमारे ईयर में ही उन्होंने कुछ चेंज कर दिया. उससे पहले 2020 तक हर सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट पर पेपर 18 क्वेश्चंस होते थे, तो टोटल 54 होते थे. तो हमारे में उन्होंने स्लाइटली चेंज कर दिया, 19 कर दिया हर एक पेपर में. तो अभी 18-19 ही है, बट लास्ट ईयर उन्होंने चेंज करने का ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया. उससे पहले तक हर बार 18 रहता था, मतलब जब से ये एमसीक्यू वाला फॉर्मेट आया है ना, तो तब से हर बार 18 रहता था. उससे पहले सब्जेक्टिव तो अलग ही रहता था, वो तो अलग है, बट अभी लास्ट ईयर उन्होंने 19 बनाया. तो इस साल होपफुली वो नहीं करेंगे, मतलब ज्यादा नहीं करेंगे, वो 18-19 मैक्सिमम 20 वैसे ही रखेंगे, तो उसी रेंज में होगा. फिर ऑल्सो एडवांस में जेई मेन्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं लाइक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलिनोमियल, ये सब आते हैं एडवांस के भी. कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक हैं जैसे अंजना मैम इनको केमिस्ट्री में बोली देती थी जेई मेन्स के लिए कि आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स ये सब करना ही करना है लाइक दैट. तो ऐसा क्या जेई एडवांस के लिए कुछ है? नहीं, तो बेसिकली जो दो चैप्टर है ना एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स, वो जनरली एडवांस में नहीं आता. एंड वो सिलेबस में एक बार अच्छे से देख लेना वो मेंशन है कि नहीं, क्योंकि अगर है तो फिर थोड़ा ब्रीफ आइडिया होना बेटर है जितना मेंस के लिए है. एंड अगर नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली जरूरत नहीं है. एंड फिर फिजिक्स में सेमीकंडक्टर वाला एक चैप्टर है, एंड सेमीकंडक्टर और दूसरा ईएम वेव्स था शायद. हाँ, वो दोनों मोस्टली नहीं आते. तो ये दोनों चैप्टर मैथ्स में तो पूरा आता है, मैथ्स में वैसा कोई एक्सेप्शन नहीं है. तो मैथ्स में पूरा सिलेबस आएगा. हाँ, और केमिस्ट्री में का ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो जरूरी है आई थिंक. आई मीन वैसा क्योंकि वो थोड़ा इस टाइप का ही है ना एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स वाला, तो तुम्हें लग सकता है कि ये भी ज्यादा नहीं आएगा,
बट वो जरूरी है काफी, उसमें से क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो ये कर लेना अच्छे से, मतलब ये क्योंकि याद करने वाला टॉपिक है ना थोड़ा, तो इसलिए। ये वाला हर्षा करेक्ट, आपको कुछ भी ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना बता दे जाना आप भी। हाँ हाँ कीर्तन स्टर्लिंग सर, इस साल के सिलेबस ब्रोचर में ये सारे चैप्टर्स भी हैं। हाँ कीर्तन, तो फिर कर दो इसमें पे जैसा तमो जितने बोला जो जेई मेंस में आपने किया था वही चीजें कर दो। हाँ तो मेन बेसिकली एनसीईआरटी के बाहर बहुत रेयरली पूछेंगे एवरीडे लाइफ और पॉलीमर्स का, तो एनसीईआरटी अगर मेंस के लिए किया होगा तुम लोगों ने, तो अभी शायद मेंस खत्म हुआ ना सेकेंड हाँ राउंड अभी लास्ट, जस्ट खत्म हाँ हुआ। हाँ तो उसमें तो किया होगा ना, तो बेसिकली हाँ उतना ही काफी है, वो बस हर हफ्ते एक बार कुछ आधा घंटा 15 मिनट निकाल के एक बार देख लो वापस से, तो हाँ वो उतने से हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्वालिटेटिव एनालिसिस वापस से अच्छे से कर लेना, क्योंकि उससे आ सकता है क्वेश्चन। ओके चलो, आई थिंक आपने चैट बॉक्स में जितने क्वेश्चन लिए थे वो सारे मैंने ले लिए। एक क्वेश्चन शायद छूटा हुआ था कि बिट सेट है 3rd को, 3rd अगस्त को बिट सेट है, तो उसके हाँ ऐसा कर दो, वो पर्सनली डिस्कस करते हैं बिट सेट वाला, ठीक है, तो उसका क्या करना है। चलो फिर जेई एडवांस के लिए और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जो आप पूछना चाहते हो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में टाइप करके। लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटेजी आपने जान ली, टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना, लास्ट वीक में क्या रिवीजन करना है वो देख लिया, पेपर 1 पेपर 2 में क्या डिफरेंस था, उनके कितने मार्क्स आते थे टेस्ट के ऊपर और इसके ऊपर। हाँ अब वीक एरियाज के ऊपर अभी सिंस तो जैसा टाइम कम है तो बेटर वीक एरियाज को छोड़ के स्ट्रांग एरियाज पे ही ज्यादा स्कोरिंग पे फोकस करो, राइट, स्ट्रांग एरियाज पे आप ज्यादा स्कोर करो, स्कोर मोर। एंड ये एक बार देख लो मिनिमम क्राइटेरिया 1 स्टूडेंट स्टेलिंग 5% पर सब्जेक्ट 35%, वो थोड़ा एक बार देख लो, क्योंकि जितना मुझे याद है लास्ट टाइम हर्षा ने जब एग्जाम दी थी, हर्षा ने मुझे बोला था राइट मैथ्स काफी टफ आया था, या 5 या 6 क्वेश्चन या 6 या 8 क्वेश्चन बने थे ऐसा आपने बोला था करेक्ट। हाँ सर, हाँ तो आई थिंक ये एक बार चेक कर लेना। एंड यस, और सीबीटी इंटरफेस क्या मेंस के सिमिलर ही होता है? आई थिंक सेम, मेंस में जैसा सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का इंटरफेस होता है वैसा ही रहता है, समझे खर्चा। हाँ वैसा ही रहता है। एक जी प्रॉब्लम है कि वो मतलब मेंस में तो जैसे पूरे 20 क्वेश्चन एक साथ दिख जाता है ना, क्योंकि सारे हाँ एमसीक्यू टाइप के होते हैं, तो हाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे हमारे पेपर में 4 सिंगल एमसीक्यू थे, फिर 6 मल्टीपल एमसीक्यू थे पेपर 1 में, एंड फिर 6 6 थे शायद, हाँ 6 डेसिमल थे, एंड 4 ये वाले थे, नहीं 3 इंटीजर थे, तो हाँ 19 हुए ना, नहीं कितने, हाँ 19 हो गए, हाँ तो वैसे थे, तो पूरे जो ये टोटल सेट है ना 19 क्वेश्चंस का, वो एक साथ नहीं दिखता, तो तुम अगर सिंगल वाले सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें बस ये 4 सिंगल वाले ही दिखेंगे, साइड वाला जो पैनल होता है ना, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 स्क्वायर होता है, उसमें ग्रीन पर्पल वो सब होता है ना कलर्स, कौन सा मैथ फॉर यू वो सब है, तो वो तुम्हें सबका एक साथ नहीं दिखेगा, उसमें बस तुम अगर सिंगल आंसर वाले सेक्शन में हो तो बस वो 4 बॉक्सेस दिखेंगे साइड में 1 2 3 4 का, फिर अगर मल्टीपल में हो तो उसके बस 4 बॉक्सेस या 6 बॉक्सेस दिखेंगे ग्रीन पर्पल वो वाले, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि फिर मतलब कौन से सेक्शन में मार्क फॉर रिव्यू बचा है या अनअटेम्प्टेड बचा है वो देखने के लिए इधर उधर स्विच करना पड़ेगा, वरना तो उस मेंस जैसा ही है, सेम रहता है। और टेस्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ होते हैं? टेस्ट इंस्ट्रक्शन आई थिंक स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे ना, जब आपका सीबीटी आप स्टार्ट करोगे तो नीचे नहीं हाँ हाँ वो हाँ टिक तभी करते तभी आ हो, जाते हैं, हाँ हाँ उसे तो टेस्ट ट्रिगर करते। इंस्ट्रक्शन पहले आता है, उसमें वो क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन के मार्क्स जो होता है, मतलब ये जो पेपर पैटर्न है वो उस टाइम तक पता नहीं चलता, तो वहाँ इंस्ट्रक्शन में एक बार में ये भी पता चल जाएगा। फिर सर सॉल्व करने के लिए जो एक बुकलेट देते हैं वो लिमिटेड होगा या ज्यादा भी ले सकते हैं जो बुकलेट हमें देते हैं सॉल्व करने के लिए? बुकलेट तो वो एक ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, बट उसमें हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, वो ओके पूरा राइटिंग पैड जितना होता है आई थिंक अराउंड 50 पेजेस तो होंगे मिनिमम, मतलब बहुत बड़ा पेजेस नहीं है बट
ठीक है, वो स्कूल डायरी टाइप के पेजेस, उस साइज के पेजेस होंगे, बट 50 पेजेस अराउंड तो होंगे ही एटलीस्ट, तो उसमें हो जाता है मैनेज, कोई दिक्कत नहीं होता. सफिशिएंट है. हाँ, एक बार हर्षा से भी पूछ लीजिए, क्योंकि मैं तो बहुत मतलब कम कम लिखता था रफ में, वो ज्यादा लिखेगा तो पूछ लीजिए. तो आराम, बहुत सारे पेजेस थे, बच भी गए थे, बच भी गए थे, राइट? ओके, पेपर का कोई इशू नहीं. हां, ओके. सेम कीर्तन ने आस्किंग फॉर रफ शीट, हाँ वो वही वैसा ये वाला आपको देते हैं. फिर मेंस में जैसे हमें पता रहता था कि एक क्वेश्चन पर 2 मिनट के ऊपर गया, मतलब हमें उस पे लास्ट पे रिविजिट करना चाहिए, मतलब अगर 2 मिनट के ऊपर का हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर. एडवांस के लिए भी हमें कुछ पर क्वेश्चन टाइम लिमिट रखना है क्या? तो हाँ, तो बेसिकली मेंस में भी मैंने ऐसा हार्ड टाइम लिमिट नहीं रखा था किसी क्वेश्चन का. तो बेसिकली मैं क्या करता था, एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले मैं दिमाग में सोच लेता था कि इसमें मैं कैसे प्रोसेस करूंगा क्वेश्चन को, तो वो सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो शायद 15-20 सेकेंड ही लगेंगे मैक्स टू मैक्स उसमें. मतलब वो मतलब मुझे ये वेरिएबल चाहिए तो थोड़ा थोड़ा ये इक्वेशन करके निकल सकते हैं, या फिर ये थोड़ा मतलब वैसे जो होता है ना वो करके, या क्रॉस प्रोडक्ट लेके कुछ करके निकल जाएगा ये वाला. तो वो दिमाग में थोड़ा सोच लेने से अगर पूरा वो प्रोसेस क्लियर है दिमाग में पहले बार में ही, तो वो करना स्टार्ट कर दो. तो उसमें जैसे फिजिक्स में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा था मुझे, तो उसमें जैसे क्लियर हो रहे थे स्टार्ट स्टार्ट में, तो वो मैंने फिर कर दिए थे. तो टाइम लिमिट मैंने ऐसा नहीं रखा था. तो एक बार अगर क्लियर है तब तो टाइम लिमिट रखना ही नहीं है तब. अगर हाँ रखना ही नहीं वैसे नहीं, मतलब अगर 5 मिनट तक भी जा रहा है एक क्वेश्चन तो कर लो वो सॉल्व पूरा कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं. तो जितना तुम्हें क्लियर है वो तुम टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए. तो क्लियर हो तो अप टू 5 मिनट्स तो आराम से जा ही सकते हो. तो मैथ्स में है तो 5-7 मिनट जितना लग रहा है तो कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आने के भी चांसेस है, तो काफी छोड़ने ही पड़ेंगे, तो अल्टीमेटली टाइम उतना बचा के फायदा नहीं है. एंड अगर थोड़ा आधा आधा आ रहा है एंड फिर क्लियर नहीं है, तो तुम्हें लिख के करना है कि लिख के शायद क्लियर हो जाए वो वैसा है, तो इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग क्लियर होता जाएगा, वैसे क्वेश्चन होंगे कुछ. तो उस केस में अगर तुम्हें लिख के क्लियर, लिख के अगर इंस्टेंटली क्लियर हो गया, मतलब जैसे तुमने 3-4 स्टेप्स लिखे और फिर क्लियर हो गया, तो वो लिख के अगर तुम्हें वो 3-4 स्टेप्स के बाद वो प्रोसेस क्लियर हो गया तो वो भी कर लो, वो अप टू 5 मिनट्स पर क्वेश्चन वापस उसमें भी जा सकते हो. एंड फिर तीसरा टाइप होगा कि तुम लिखते जा रहे हो, इधर उधर फॉर्मूला लगा रहे हो, वहाँ कुछ एक साइड एक ब्रांच में चले गए ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, एंड दूसरे में चले गए वो फॉर्मूला लगा के देखते हैं. तो वो अगर है एंड तब लिख के भी क्लियर नहीं आ रहा, मतलब वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम, मतलब सॉल्व होने के चांसेस कम है उसी टाइम पे, तो एटलीस्ट तो उसमें फिर टाइम लिमिट रखो कि उसमें फिर लिखते लिखते 2 या 2.5-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है. एंड तो बेसिकली वो छोड़ दो उस टाइम के लिए, तो वापस मार्क फॉर रिव्यू या कुछ करके रखो. एंड कुछ क्वेश्चन देख ही पता चल जाएगा कि नहीं आने वाला, स्पेशली केमिस्ट्री में अगर कोई थियोरी का क्वेश्चन आ गया, कोई अजीब सा रिएक्शन आ गया जो तुम्हें देख के ही लग रहा है कि कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है, ये क्या है क्या दे दिया, तो वो तो तब तो छोड़ ही दो, उसका तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है उस पर. तो ये है. और जो ये वाले क्लियर है, मतलब जो ये क्वेश्चन है या स्टार्ट है, मतलब लिखना स्टार्ट किया एंड क्लियर नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि अगर मेरे पास टाइम होता तो शायद मैं कर लेता, तो वैसे क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके रखना. एंड अगर कोई क्वेश्चन 5 मिनट से ज्यादा जा रहा है क्लियर होते हुए भी, तो भी उसे मार्क फॉर रिव्यू करके रखते, तो लास्ट में आके वो अच्छे से सॉल्व करना. मैथ्स में ये काफी होता था मेरे साथ कि मतलब मैंने स्टार्ट किया, मुझे पता है क्या करना है, बट थोड़ा लंबा जा रहा है, तो उस केस में मैं मार्क फॉर रिव्यू. या फिर केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन आ गया, कैलकुलेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट क्योंकि हाथ से करने होते थे तो मेरा थोड़ा स्लो हो जाता था वहाँ पे, क्योंकि एक्यूरेसी भी चाहिए वो कैलकुलेशन में, तो वहां पे फिर मैं मैथ फॉर रिव्यू कर देता था ऐसे टाइम. तो ये समझ में आया एवरीवन जो तमोजित ने बोला कि क्वेश्चन देख के आपको ये पता चलना चाहिए, जैसे हम माइंड मैपिंग बोलते हैं, ये सारी चीजें माइंड मैपिंग है. इतने सारे एग्जाम दिए तो आपको ये पता चल ही जाता है, जब आप क्वेश्चन देखते हो तो कौन से वेरिएबल आपके पास है, कौन से वेरिएबल जैसे एक्स के लिए वाई चाहिए, वाई के लिए जेड चाहिए, वो अगर डायरेक्टली पता चल रहा है क्लियर है तो आप लग जाओ. तो उसमें टाइम लग रहा है 5 मिनट या मैथ्स के क्वेश्चन में 5-7 मिनट दे दो और उसे सॉल्व कर दो पूरा. अगर क्लियर नहीं है लिखना शुरू करो, लिखने के बाद 2 चांसेस हैं, या तो क्लियर होगा या तो क्लियर नहीं होगा. अब अगर क्लियर हो गया और 5 मिनट में सॉल्व हो जा रहा है, वेल एंड गुड, 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मार्क पर रिव्यू डाल के आगे बढ़ो, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है, वो फिर नेक्स्ट आप 2-3 मिनट जब आपको मिलेंगे तब आप कर सकते हो. राइटिंग शुरू किया पर उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो वहां पे फिर अगेन 2 ऑप्शन है कि अगर आपको और टाइम चाहिए मार्क पर रिव्यू छोड़ दो, पता ही है कि क्लियर नहीं हो रहा, आगे नहीं होने वाला है, तो फिर छोड़ के आगे बढ़ जाओ. राइट,
सो वेरी नाइस था मुझे. हर्षा आप भी यही फॉलो करते थे? आपको जिनको आता था तो वो करता था, मुझे जो आता था वो करता था. लाइक आई वुड सजेस्ट फॉर सेलेक्टिविटी कि एक क्वेश्चन बनेगा लग रहा है तो इसी को करो इरेस्पेक्टिव कितना भी टाइम लग रहा है. ओके लेकिन यहाँ पे एडवांस में एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन का मार्क्स अलग अलग है, तो किसी एक क्वेश्चन का मार्क था किसी एक का चार होगा, तो तब सोचना पड़ेगा कि ये दो मार्क को मुझे ज्यादा टाइम देना है कि नहीं. अगर बन रहा है तो जल्दी बना दो, अगर नहीं बन रहा है तो वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एट द एंड चार मार्क वाला छूट सकता है जो आता हुआ. तो क्वेश्चन के मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा. पहले सेलेक्टिविटी कि ये बनेगा तो सॉल्व कर दो, फिर देखो क्वेश्चन का लिखा नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन के मार्क्स पे डिपेंड करेगा कितना टाइम है कि देना कि नहीं. हाँ, और टाइम रन आउट हो रहा है उसकी वजह से जल्दबाजी बहुत ज्यादा करने की कोशिश मत करना. तो मेरा वो मेंस में 2-3 बार हुआ था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें भी गलत होने के चांसेस होता है, स्पेशली कैलकुलेशन है तो वो भी ध्यान रखना कि बहुत जल्दी करने की कोशिश में गलत ना हो जाए, वो काफी होता है. वंस में ग्रीडी नहीं होना, मल्टीपल करेक्ट भी होता है कि कभी कभी इंट्यूशन लगता है कि सही हो सकता है, जब तक श्योर नहीं हो तब तक मार्क नहीं करना. हाँ, बिल्कुल, मल्टीपल करेक्ट में नेगेटिव होता है, एक भी गलत हो गया तो नेगेटिव, एंड बाकी अगर तुम्हारा एक सही है और तो उसके एटलीस्ट 1 मार्क तो मिल जाएंगे, वरना अगर तुमने गलत मार्क कर दिया तो वहीं से +1 से वो -2 हो जाएगा, तो काफी ध्यान रखना होता है. मल्टीपल करेक्ट में श्योर हो तभी दूसरे ऑप्शन पे जाओ, अगर एक ऑप्शन आपका ठीक है नो प्रॉब्लम, पार्शियल मार्क लेके आगे बढ़ो लाइक दैट. हाँ, मेंस में जैसे कुछ पेपर्स में टाइम का इश्यू हो जाता है, क्या एडवांस में भी ऐसा होता है क्या? मैं आता है पर टाइम में कर नहीं पाए, ऐसा कुछ तब मुझे थोड़ा फेस किया हो? तो हाँ, जो मैं बता रहा था बेसिकली एडवांस में मेरे गलत हुए थे, तो वो बेसिकली जो हरी मतलब जल्दी करने के चक्कर में वो हो गए थे, और मतलब कुछ तो वो पैनिक की वजह से हुए थे कि नहीं आ रहा है, एंड मैंने गलत क्वेश्चन चूज कर दिए थे उस ऑर्डर में करने के लिए, एंड कुछ ये जल्दबाजी के लिए मेरे हो गए थे गलत. तो ये ध्यान में रखना है कि तुम जल्दी में 2 क्वेश्चन करके दोनों गलत कर रहे हो, इससे बेटर है कि टाइम लेके 1 क्वेश्चन सही करो. तो वो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर मतलब अगर तुम कंफर्टेबल हो स्पीड पे और कर पा रहे हो अच्छे से तो ठीक है, वो कंटिन्यू कर लो, बट अगर नहीं हो रहा है तुम जबरदस्ती अपने आप को फोर्स कर रहे हो जल्दी करने का, तो वो अवॉइड करो कि मतलब मुझे पेपर खत्म करना है, पेपर खत्म करना है, तो वो अवॉइड करो. एंड उसके अलावा हाँ, मेन्स में तो बेसिकली उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था मुझे, मेन्स में मोर ऑर लेस उस स्पीड पे हो जाता था, एंड बाकी एडवांस में स्पीड का वो डिपेंड करेगा लार्जली कि क्वेश्चन कैसे हैं एंड तुम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि एडवांस का ये जो ये बहुत डिफरेंट होता है, मेन्स में एक लाइक पर्टिकुलर टाइप के ऐसे हो जाते हैं, मतलब सीजन हो जाते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उतना टाइम रहेगा, एडवांस में वो सीजनिंग नहीं हो पाता कभी, तो जल्दबाजी करने की कोशिश मत करो. तो हाँ, अब टाइम अगर लास्ट में टाइम रन आउट हो जाता है तो उस टाइम पे भी पैनिक नहीं करना यार, क्योंकि पैनिक करके एक्स्ट्रा कुछ जल्दी नहीं हो जाएगा, तब तब थोड़ा जल्दबाजी करने की कोशिश कर सकते हो अगर खुद पे भरोसा है, और अगर टाइम रन आउट होते हुए देख के पैनिक नहीं करना, क्योंकि पैनिक अब पैनिक करके कुछ टाइम नहीं बनने वाला, पैनिक करके तुम्हारे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होने वाले. तो हाँ, ये बोलने में बहुत आसान लगता है बट फाइनली पैनिक हो ही जाता है, हाँ, तो ठीक इतना है भी ट्राई ट्राई करो. कर लो थोड़ा रहेगा ही, हाँ ट्राई कर, हाँ मेडिटेशन कर वो लो. थोड़ा वो आदत डाल लो टेस्ट देते देते कि टाइम रन आउट हो रहा है तो वो नहीं, और ट्राई करो कि वो टाइमर लगा के टेस्ट दो, मतलब अभी अगर तुम PDF से टेस्ट दोगे तो तुम घड़ी देख के दोगे तो वो टाइमर वाली फीलिंग नहीं आती, तो अगर वैसे कोई क्लॉक है या मोबाइल में स्टॉपवॉच है तो ट्राई करो कि वो स्टॉपवॉच लगा के टेस्ट दो, तो वो टाइमर पे जो डिजिट्स आता है ना वो देख के अलग फीलिंग आती है डर की, तो हाँ वो उसकी भी थोड़ी आदत डालो. जैसे मैंने कभी टाइमर नहीं लगाया था, मैं आराम से घड़ी देखता था, तो घड़ी पे वो फीलिंग नहीं आती डर लगने की, बट वो जो इस पे चलता है अपने स्क्रीन पे जो स्क्रीन चलता का है टाइमर, टाइमर, वो देख के हाँ अलग डर लगता है, तो उसकी आदत डाल लो. नहीं तो, हाँ नहीं तो अभी आप आपके पेरेंट्स को फोर्स करोगे स्क्रीन टाइमर खरीदने के लिए अलग से, वो आपके मोबाइल या लैपटॉप पे या गूगल पे सर्च करोगे ना हो जाएगा ऑटोमेटिक, राइट? उसकी ऐप भी आती है अलग अलग पर उसके बिगर भी हो जाएगा स्टार्ट. ओके तो ये भी बहुत अच्छा बताया. बोलो, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप फेस कर रहे हो? अभिराम, आरहन, आर्यन, कीर्तन, ओवेश, प्रांजल, रौनक, सुमित, ओमकार नहीं आया राइट? हुबली टीम से ओमकार नहीं आया.
एनी अदर थिंग? तो आज का सेशन यहीं पे रैप अप करें. और एक चीज मैं बताना भूल गया था कि एलिमिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑप्शंस में एलिमिनेशन करना. तो जैसे मेंस में तो सिंगल करेक्ट होते थे, ठीक है. अभी यहाँ अगर एडवांस में जैसे अगर एलिमिनेशन करके, जैसे अभी मुझे एडवांस का एग्जांपल याद नहीं आ रहा क्या हुआ था, बट अभी हमारे जैसे सेकेंड सेमेस्टर में बायोलॉजी का एक कोर्स था, तो उसमें अभी मल्टीपल करेक्ट वाला था. एंड उसमें क्या हुआ, मुझे एक क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता था, तो उसमें दो ऑप्शन ऐसे थे जो डायरेक्टली मैंने एलिमिनेट कर दिए, एंड दो ऑप्शन ऐसे थे कि अगर एक सही होगा तो दोनों को सही होना पड़ेगा. तो उसमें मैंने क्या किया, उसमें क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आंसर ही करेक्ट नहीं है, तो एटलीस्ट एक को सही होना पड़ेगा, तो एक सही है मतलब दूसरा भी सही है, तो मैंने दोनों मार्क कर दिया एंड बाकी दोनों एलिमिनेटेड थे, वो मुझे पता था. तो ऐसे जो लॉजिकल थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होना भी जरूरी है कि हाँ, और उसमें फिर मुझे मार्क्स मिल गए, फुल मार्क्स मिल गए उस क्वेश्चन के. तो बेसिकली ये लॉजिकली डेवलप होना जरूरी है कि कौन से दो ऑप्शन इंटरकनेक्टेड है, तो अगर एक करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है, एंड अगर मैंने दूसरा एलिमिनेट कर दिया तो वो दोनों करेक्ट होंगे. बेसिकली ये सब दिमाग में चल जाना चाहिए, अभी टेस्ट देते देते वो प्रैक्टिस आ गई होगी तुम लोगों को. ये कौन से सब्जेक्ट में हुआ था तमोजित, केमिस्ट्री? नहीं सर, ये एडवांस में अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी ये रिसेंटली हमारे सेकंड सेमेस्टर में बायोलॉजी का कोर्स था. मैं वही सोचूं बायोलॉजी केवीपीवाई का बायोलॉजी बात कर रहे हैं, अभी एडवांस वर्क अभी एक साल हो गया ना ऑलमोस्ट, तो उसका मुझे याद नहीं है, अभी ये रिसेंट हुआ था तो ये याद है. हर्षा, कोई आप एडवाइस दे सकते हो? हाँ, वन स्टूडेंट आस्किंग, मैट्रिक्स मैच में हो सकता है क्या कि लाइक एक का कोई ऑप्शन ना हो? ऐसा शायद नहीं होगा मैट्रिक्स मैच में, ऐसा नहीं होगा ना कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जिसका ऑप्शन हो ही नो, मतलब जिसका ऑप्शन हो ही नहीं पार्ट बी में. नहीं, मैट्रिक्स मैच में जैसे लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 अगर सपोज है, एंड राइट साइड में ABCDEF ऐसे 6 ऑप्शन है, तो उसमें जैसे अगर उन्होंने वैसे दिया है कि 1 के साथ कुछ नंबर ऑफ ऑप्शंस है, 2 के साथ नंबर ऑफ ऑप्शंस है, वैसे अगर है तो हाँ 1 2 3 4 चारों के होने ही पड़ेंगे. वैसा ऐसा नहीं हो सकता कि एक का कोई है ही नहीं, वो नहीं हो सकता. बट ये हो सकता है कि ABCD में से कोई भी 1 2 3 4 को नहीं जा रहा हो, मतलब ऐसा हो सकता है 1 का ए है, 2 का ए है, 3 का बी है, 4 का सी है, तो उसमें डी नहीं होगा फिर उसमें, तो वो देख लेना. मतलब आई थिंक नहीं, मतलब अगर एक एक ही है तो चांसेस हैं कि हो जाएंगे, बट अगर सपोज तीन तीन ऑप्शन है एक एक, मतलब 1 का ABC हो गया, 2 का BC हो गया, 3 का AC हो गया एंड 4 का C, तो ऐसे केसेस में बहुत चांसेस है कि डी किसी में आएगा ही नहीं. एंड अगर ऐसा है कि 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, तो उस केस में ज्यादा चांसेस होते हैं कि चारों कवर हो जाएंगे. वो रूल्स में दिया होता है, मतलब कि एक के और करिस्पॉन्डिंग कितने होते हैं, वो रूल्स में दिया होता है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर के जो रूल्स होते हैं. और यहाँ एक स्टूडेंट का ये भी है कि सर मैट्रिक्स में क्वेश्चन के मार्किंग कैसे होते हैं, पूरे मैट्रिक्स का फुल मार्क होता है कि ये हर ये एक एक सेपरेटली क्वेश्चन में आएगा, 1A 2B 3C 4D ऐसे रो वाइज अलग अलग मार्क्स होंगे? वो तो पूरा सर उन पे डिपेंड करेगा, उनका जो मन करेगा वैसे रख देंगे. अच्छा, मतलब वो ठीक है, उसी टाइम पता चलेगा. हाँ सर, एग्जैक्टली चल क्या रहा है. हाँ, मैट्रिक्स का पार्शियल मार्किंग भी नहीं होता, सिर्फ पूरा कि वो भी उन पे ही डिपेंड करेगा. अब अगर मैट्रिक्स में जैसे अगर ये सपोज तुम्हें 4 क्वेश्चन बना के पूछ दिया कि 1 के कौन से बताओ, तो उसमें अगर उसमें मोस्टली हो जाएगा पार्शियल मार्किंग. बट अगर तुम्हें एक साथ पूछा कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट, उसमें फिर ये पूरा जो लाइन है 1 2 3 4 वाला एक साथ दे दिया, उसमें शायद नहीं होगा पार्शियल. वो भी उनपे डिपेंड करता है बेसिकली, उतना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उसका, वो भी रूल्स पे ही डिपेंड करेगा. इन शॉर्ट, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ना. जेई में तो आपको पता ही होता है, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं हो, बस वेट करते हैं कि कब शुरू करना है, कब शुरू करना है मेंस में. पर एडवांस में इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे वहां पे अच्छे से. चलो, इसके अलावा और कुछ, प्रांजल, सुमेध, उवेश, कुछ पूछना चाहते हो? ओके, तो फटाफट कंक्लूड कर देते हैं. तो यहाँ स्टार्टिंग से हमें बहुत सारी चीजें बताई तमोजित एंड हर्षा ने. सबसे पहले अपनी अपनी उन्होंने जर्नी बताई कि तमोजित ने कब से कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, हर्षा ने कब से कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था, बीच बीच में उनकी जेई एडवांस से पहले कौन कौन सी कब कब एग्जाम उन्होंने दी. वो सब एग्जाम बताने के बाद उनके स्टोरी से आप सब रिलेट करके आप अपना अपना सीख लो कि आपको क्या क्या कहाँ पे सेट करना है. अगर आपकी लाइफ में एरर करेक्शन बुक अभी नहीं है, फॉर्मूला बुक नहीं है, उसको ऐड कर दो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि ये दोनों चीजें आपकी मेन हैं. एडवांस के लिए स्टेमिना चाहिए होगा. और देखो, मेन चीज ये होती है कि
हम खुद गलती करते हैं फिर वहां से सीखते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग. हम यहाँ पे गलती करते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं ताकि हम अच्छा करें. पर कोई इंसान स्टेज पे आके अपनी गलतियां आपको बता रहा है ताकि जो उनकी गलती हो गई वो आप ना करो, वो बहुत बड़ी बात होती है. जैसे हर्षा ने आपको बताया कि हर्षा जब प्रैक्टिस कर रहा था तो इस तरीके से हर्षा प्रैक्टिस नहीं कर पाया कि दोनों अलग अलग, मतलब एक ही दिन पे दोनों पेपर नहीं दे पाया था, तो वो स्टेमिना का इश्यू से हुआ, वो चीज उसने आपको बताई. तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा एक्सपीरियंस आपको काम लगने वाला है. सिमिलरली तमोजित ने जैसे बताया कि यहाँ सारी मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा किया पर वहां पे थोड़ा थोड़ा पैनिक हो गया, एंड दैट इज फाइन, इट इज नॉट अ बिग डील, वो सब फाइन है. यहाँ पे आपका 500 रैंक का है, अगर वो सब नहीं करता, 100s में रैंक होता, दैट इज फाइन, नॉट एन इश्यू. वो सारी चीजें आफ्टर स्टेज में कवर हो जाती है. सो दिस इज जस्ट योर जर्नी. आप ऐसा मत समझना कि ये जेई एडवांस, जैसा हर्षा ने एक चीज बोला कि एग्जाम को एंजॉय करना, आप ऐसा मत समझना कि ये एग्जाम, क्योंकि जेई एडवांस आप लाइफ में एक बार ही देने वाले हो, वापस नहीं देने वाले हो. तो इसको आप ऐसे एंजॉय करना ये प्रोसेस को, जेई एडवांस में वो 6 घंटे स्टेमिना को, 6 घंटे वो एग्जाम देने को, वो प्रोसेस को, 3 घंटे वापस, 3 घंटे उसको दूसरे सेंटर पे जाके बस आप एंजॉय करना कि आपका माइंड वहां पे कैसा रह पा रहा है, आप कैसे एग्जाम दे रहे हो. भले जहां पे भी पैनिक हो रहा है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, दैट्स इट, होने दो, दैट इज फाइन, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग. हमें ट्राई करना है कि हम जितना काम रहे, बट अगर पैनिक हो रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, डोंट वरी. मैं कितना भी बोल दूं आपके कि वो टाइम पे आप थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर लो, 2 मिनट इधर हो जाओ, शांत हो जाओ, योग मुद्रा ले लो, पर थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट, उसको पूरा फील करो. एंड भले पैनिक हो रहे हो, होने दो. और अभी की पूरे 25 डेज में कैसे प्रिपेरेशन करनी है, मैं टेस्ट डालता जाऊंगा, राइट, हर रोज ऑल्टरनेट डेज पे डालता जाऊंगा. अगर आप 2 दिन पे एक दे पा रहे हो, 3 दिन में एक दे पा रहे हो, वैसे दो. जैसे आपके डाउट आते हैं, मैथ्स के डाउट मैथ्स ग्रुप में डालते जाओ, तो वो वाले मैथ्स ग्रुप में जैसे आप डाउट डालोगे, उसके डाउट सॉल्विंग सेशन में लेता जाऊंगा. बीच बीच में जैसे टाइम सेट होगा मैं आपको बताऊंगा. इवनिंग पूरा ऑक्यूपाइड है तो डाउट सॉल्विंग सेशन में दोपहर को रखूंगा, लाइक दैट. तो हम पहले ही बता दूंगा, तो वो टाइम पे आप एग्जाम का स्लॉट मत रखना उस दिन, ओके. तो ये आपका टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा. लास्ट वीक में कैसे रिविजन करना है, आपकी एरर करेक्शन बुक, फॉर्मुला बुक, और पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में न्यू थियरी से वो आपने समझ में आया. पेपर 1 पेपर 2 और वहां के टेस्ट पोर्टल का आपको थोड़ा आइडिया आ गया. मिनिमम क्राइटेरिया एक बार आप वेरीफाई कर लेना, ओके. और ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई. इवन बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी तमोजित ने और हर्षा ने अलग से आपको बता दी कि यहाँ पे पूरा आपका पेपर ऑल्टरनेटिव वाला, बुकलेट वाला, अलग से बहुत सारी चीजें. आपने नई क्वेश्चन पूछे उससे पहले भी, जैसे टाइमर की हैबिट रखना, क्योंकि ये सारी चीजें आप पीडीएफ से देने वाले हो तो टाइमर की हैबिट जरूरी है. जल्दबाजी में 2 क्वेश्चन मिस्टेक के साथ करो, उससे अच्छा आराम से 1 क्वेश्चन परफेक्ट करो, वो बेटर है. ज्यादा मार्क्स की लालच मत रखो. जैसे यहाँ पे अगर आप हर्षा के मार्क्स देखो, वो 50% से कम है, चेक, ये 360 में से 50% से कम है, एंड 3000 रैंक, सो दैट इज फाइन, राइट. आप पहले ये ट्राई करो कि आपके जितने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उससे आप जितना कवर कर पाओ, दैट इज इनफ. 50% करोगे वो रहेगा. दोनों पेपर एक ही सेंटर में होगा? यस, दोनों पेपर एक ही सेंटर में होगा. सर रेगुलर आई मीन ऑल्टरनेट डेज क्लासेस सेट कर दीजिए सिस्टमेटिक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. हाँ ठीक है, मतलब मैथ्स का तो मैं बता दूंगा, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए देखना पड़ेगा. फिजिक्स के लिए हमें हुबली टीम से हेल्प लेनी पड़ेगी. केमिस्ट्री में मैं अंजना मैम से बात कर देता हूँ, तो वो हम कर देंगे. देन हाउ टू कवर अप इफ यू पैनिक एंड लाइक हाउ टू काम योरसेल्फ डाउन. हाँ एग्री. तो अब मैं वही जब मैं करता था मैं वो आपको रिकमेंड करूंगा कि वो सबकी मेथड अलग अलग होती है. अगर आप पैनिक हो रहे हो, आपको काम डाउन करना है, मैं बस दूर हो जाता था 1 मिनट के लिए, उसको छोड़ देता था पेपर को, क्योंकि हम वहां पे क्या करते हैं कि पूरा वो टेस्ट पोर्टल में और उसमें इतना घुस जाते हैं कि आसपास का कुछ दिखता नहीं है. तो 1 मिनट के लिए उसको छोड़ देता था, थोड़े डीप ब्रीथिंग करता था 1-2, जब तक आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए. डेफिनेटली आपके पास ब्लड प्रेशर नहीं है, पर नॉर्मली आई एम टेलिंग कि थोड़ा ये कर देता था. और इसे योग मुद्रा बोलते हैं, जब आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब को आप कनेक्ट करते हो, दिस इज योग मुद्रा. इसे 1 मिनट के लिए कर लेता था, थोड़ा इधर उधर बाहर देखता था, आई कैन डू इट या कुछ भी, 5 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हर बार अपने आपको देता था, वो आप कर सकते हो. गुड मॉर्निंग चैम, दिस इज माई डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी, लाइक दैट, आई कैन डू इट, ऐसा करके कुछ भी बोल के आगे बढ़ता था, लाइक दैट. पर वो जैसे वो 5 स्टेटमेंट मेरे लिए थे जो मैं अपने आपको देता था. अगेन वो एक हमारे कॉलेज में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, उन्हीं से मैंने सीखा था. तो वो आपके ऊपर है, अभी आप जो एग्जाम में जिस तरीके से आप पैनिक से नॉर्मल होते थे उसको आप करके आगे बढ़ो. एंड थोड़े बहुत पैनिक हो रहे हो चलेगा, क्योंकि थोड़ा 1% 2% तो रहेगा ही, वो कितना भी ऐसा नहीं वो 2 मिनट छूट के आप एकदम खतरनाक हो जाओगे एंड सारा सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है. 2%, 3%, 5% थोड़ा डर तो रहेगा, तो वो रहने दो, वो चीज को आपको फील करना है.
राइट। और ये भी दिमाग में रखना है कि जेईई एडवांस पे लाइफ खत्म नहीं हो रही है, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। हां यस, तो जैसे अभी अबाउट स्टेजेस, अभी जैसे मेरा मेंस में 104 रैंक था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा एडवांस में 250 के अंदर आ जाएगा। एंड फिर मुझे शुरू से आईआईटी बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल चाहिए था, अब बीटेक वाला, तो वो फिर मेरा 250 में आया नहीं, मुझे 516 मिला। एंड फिर मुझे आईआईटी बॉम्बे बीटेक इलेक्ट्रिकल मुझे मिला नहीं, तो उसके बाद उसमें फिर मैंने प्रॉफ से बात की, मतलब जो मैं मतलब मुझे क्या फॉलो करना चाहिए, मैं उसी को लेकर कंफ्यूज था। तो फिर मैंने डुअल डिग्री में एडमिशन ले लिया। और एडवांस का एक ये बहुत मतलब जो फिलोसफी है एडवांस का, वो थोड़ा फ्लॉड है, क्योंकि उसमें 2 साल से तुम क्या मेहनत करो उसका फाइनली जो रिजल्ट आता है वो 3-6 घंटे में आने वाला है। मतलब 2 साल का कलेक्टिव एफर्ट तुम्हें कुछ दिलाएगा नहीं अगर तुम वो 6 घंटे में एफर्ट नहीं डालोगे। तो अभी एक बार तुम कॉलेज में आ जाओ वो नहीं होने वाला, तुम्हें कंसिस्टेंट अगर तुम्हारा एफर्ट है तो तुम्हारा कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, जहाँ जहाँ एफर्ट डालोगे वहाँ वहाँ उसका उतना रिजल्ट मिलेगा। तो अभी जैसे अभी कॉलेज में आने के बाद अभी तुम लोग का अल्टीमेट टारगेट क्या होगा, आईआईटी बॉम्बे का सीएस चाहिए होगा, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो अभी जैसे तब मुझे मिला, तब तो सीएस तो बहुत दूर की बात थी मेरे लिए, मतलब हो ही नहीं सकता था, मेरा बीटेक ही नहीं मिला मुझे इलेक्ट्रिकल का। पर अभी आने के बाद कंसिस्टेंट अगर एफर्ट डाल रहे हो तो जितना पोटेंशियल है उतना तुम्हें मिल जाएगा, मतलब आगे अभी 4 साल और जो भी तुम करोगे उसमें तुम अपने पोटेंशियल के हिसाब से कर सकते हो। अभी आने के बाद मेरी सीपीआई इतनी है कि मैं आराम से सीएस में ब्रांच चेंज करके जा सकता था, तो वहां मुझे मिल जाता जो फाइनली सबको चाहिए। तो पीपीआई था मुझे 9.9 आई गेस, क्या 9. हां 9.88 थी सर, 9.8, तो उसमें मुझे आराम से सीएस मिल जाएगा। तो बट मुझे जाना नहीं था वो अलग बात है, तो मैंने इलेक्ट्रिकल का बीटेक ले लिया अभी। बट अल्टीमेटली अगर तुम्हारा पोटेंशियल है तो जितना पोटेंशियल है तुम्हें उसका अचीवमेंट हो जाएगा उसका। तो अभी जेईई एडवांस अल्टीमेट लाइफ खत्म नहीं हो रहा वहां पे। तो सर 9.88 और एक तो ये चीज है फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी जैसे वो तमोजित के आपने जो जर्नी देखी, तो वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड तक पहुंचा था, तो उसको एस्ट्रोनॉमी में काफी इंटरेस्ट है, तो उसको फ्यूचर में एस्ट्रोनॉमी में अपना करियर बनाना है, तो मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए डेफिनेटली वो उसके लिए फॉरेन जाना चाहता है, तो पहले ड्यूअल डिग्री में एडमिशन ले, उसी के लिए उसको इलेक्ट्रिकल में जाना था आईआईटी बॉम्बे में, तो पहले ड्यूअल डिग्री में लिया, उसको चाहिए था बीटेक 516 पे, ये नहीं मिला, पर जैसे ये सीपीआई आ गया 9.88, अब उसके पास ये दोनों ऑप्शन थे, बीटेक सीएस का भी ऑप्शन था, बीटेक इलेक्ट्रिकल का भी ऑप्शन था। जनरली हम लोग क्या करते हैं, सीएस में ज्यादा पैकेज मिलेगा, सीएस में ज्यादा पैकेज मिलेगा, हम ऐसे चले जाते हैं। रामोजित का इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे एस्ट्रोनॉमी में जाना है, तो उसने फिर वहां पे बीटेक इलेक्ट्रिकल वाला ऑप्शन पसंद किया। तो सेम चीज, और प्रांजल के सिस्टर का एग्जाम्पल भी हमारे पास है लाइक दैट। तो सेम, जेई एडवांस इज नॉट द एंड, एक बार वो हो जाए फिर देखेंगे। और अभी आप सोचोगे सर हमारा ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि हमें एस्ट्रोनॉमी में करना है या इलेक्ट्रिकल में करना है सीएस में करना है, तो सबकी अलग अलग लाइफ है, सबकी अलग अलग जर्नी है, वो आराम से वो टाइम पे डिसाइड करेंगे जब आपका काउंसलिंग चल रहा होगा। सेम जैसे हर्षा के लिए हमने पूरा डिस्कशन किया था, तो हर्षा को भी आईआईटीज में अलग अलग ब्रांच मिल रही थी, बट हर्षा का फिक्स था कि उसे सीएस ही लेना है लाइक दैट, तो वो फिर एनआईटी सूरतकल में आईआईटीज की दूसरी ब्रांच छोड़ के एनआईटी सूरतकल में सीएस लिया, एंड अभी वहां पे सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पूरा बिजी है, तो जहां से टाइम निकालने के लिए हमें काफी हो गया। तमोजित भी वहां पे सारी एक्टिविटीज में बिजी है, वो सब एक्टिविटीज की भी हम बात करेंगे जब आपकी सारी एग्जाम खत्म हो जाए। बेसिकली ब्रांच डिसाइड तो काउंसलिंग के टाइम, मतलब एक बार थोड़ा रिजल्ट आ जाए उसी के बाद डिसाइड करते हैं। मेरा भी लाइक एस्ट्रोनॉमी में मुझे मन था, पर फिर मैं उसमें कंफ्यूज था कि आईएससी में, क्योंकि केवीपीआई मेरा उससे हो गया था फिजिक्स लेना है या आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल, तो तब मैंने बात की, मतलब मैंने पहले से बात के नहीं करके रखी थी किसी से, क्योंकि तब एग्जाम पे फोकस करना है, एग्जाम एक बार हो जाए उसके बाद देखना है कि कौन सा क्या करेंगे, तो वो सब बाद में काउंसलिंग के बाद डिसाइड कर सकते हो कौन सा ब्रांच इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या लग रहा है, वो सिलेबस वगैरह देखे, अभी उसके बारे में मत सोचो, अभी एग्जाम पे फोकस करो। yes. जितना अच्छा रैंक आएगा तुम्हारा ऑप्शंस उतने बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि अच्छा रैंक आ गया तो तुम्हें सीएस ही लेना, तुम अच्छे रैंक पे इलेक्ट्रिकल दूसरा मैकेनिकल को भी ब्रांच दे सकते हो, बट ऑप्शन रहेंगे अच्छे रैंक से, इसके अभी एग्जाम पे फोकस करो, इसीलिए अच्छे से मेहनत करो, डोंट वरी। एंड हर्षा, हर्षा आप कुछ कहना चाहोगे लास्ट में बच्चों को, मतलब सॉरी जूनियर्स को? देखते हैं कितने कैसा होगा, मतलब जैसे एडवांस में अच्छे रैंक नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ब्रांच पे करेगा। ऐसे मैं क्लियर था कि मुझे सीएस चाहिए था, तो मैं ले लिया आईआईटी का, कि बाकी एडवांस के रैंक के सब दूसरे कॉलेज में मिलते, तो वो सब सोच रहे हैं कौन सा कॉलेज में लेगा, मतलब अभी बस एग्जाम फोकस करो, लास्ट के दिन है, एंजॉय ही सोच सकता था ये सब बात है ना, अभी पूरा फोकस। तो आप अपना पूरा बेस्ट दो। सेकंड चीज, जब मैं आईआईटी गांधीनगर में समर इंटर्नशिप कर रहा था,
एक जूनियर था बीटेक में जिसका नाम था शिरीष, ही वॉज फ्रॉम बॉम्बे। उसका जेई मेन्स अच्छा नहीं गया था, पर जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करके वो आईआईटी गांधीनगर में मैकेनिकल कर रहा था। राइट, सो ही वॉज फ्रॉम द बैच 2018 टू 2022। तो अभी वो बस इसी साल पास आउट हुआ है। लाइक दैट फर्स्ट ईयर में ही था वो टाइम जब मैं गया था, तो 2017 टू 21 वाला बैच या 2018 टू 2022 वाला बैच था। तो अगर आपका जेई मेन्स खराब गया है या उसमें अच्छा स्कोर नहीं हो पाया या ज्यादा मिस्टेक हो गई या पैनिक हो गया, तो चिंता मत करो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास हैं एग्जाम्पल में जिन्होंने जेई मेन्स अच्छा नहीं किया था, पर जेई एडवांस से फिर सॉलिडली वो एक आईआईटी में पहुंच गया। राइट, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए पहले आज के सेशन में इतना रखते हैं, एंड सभी लोग थैंक यू बोलो, खास करके तमोजेतन हर्षा को, इतना टाइम निकाला है, उन्होंने आपको पूरा गाइड किया। अपनी मिस्टेक्स के बारे में थैंक यू उनके भैया, सबको बताना वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।